हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, चौथा चैप्टर होगा जो कि होगा ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित। और अगर हम बात करें तो ये वीपीओ हुआ, स्टेनोग्राफर है, जूनियर असिस्टेंट है, ऑडिटर है, इन सभी एग्जाम्स के लिए जो है, जो मेंस का पेपर होने वाला, जिसके लिए अभी सिलेबस नया जो चेंज करके निकाला गया है, तो उससे संबंधित जो है ये क्वेश्चन वाइज पूरा दिया गया। इसमें 300+ क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, जो कि खासकर वीपीओ मेंस के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इसके पहले के तीन चैप्टर जो हो चुके हैं, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसको भी जाकर चैनल पेज पर से देखिए, और उसका प्ले लिस्ट बना दिया है तो वहाँ से आप उसको एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन इसका लेते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि किसको मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, इसको यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का जो एक इंटरफेस होता है उसके रूप में हम जानते हैं, तो करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं, उनके बारे में जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर्स एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच जो है एक इंटरफेस यानी कि माध्यम का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच जो है संवाद स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है कि किस प्रकार से प्रोसेसिंग का कार्य सफल होगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषाएं हैं जिनको आपको जानना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दिया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के बीच इंटरैक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। इसमें से ऑप्शन दिया गया है डिवाइस ड्राइवर है, प्रोसेसर है, या फिर सेल है, या फिर रजिस्टर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन होगा, ठीक है, सेल। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेल होता है घटक, वो कर्नेल और हार्डवेयर के साथ जो है इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है, तो आंसर हो जाएगा सेल। सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक होता है जो उपयोगकर्ता के साथ जो है इंटरेक्ट करता है। सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर इंटरफेस है जो संबंधित कार्यों को करने के लिए यूजर से कई तरह के जो है कमांड को स्वीकार करता है, ठीक है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य इनमें से नहीं है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इनमें से कौन सा कार्य नहीं, ये बताना है। तो दिया गया है ऑप्शन सुरक्षा, मेमोरी मैनेजमेंट, सी है फाइल मैनेजमेंट, और डी है उपयोगकर्ता के प्रदर्शन पर नियंत्रण करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य इसमें से कौन सा नहीं होता, तो वो होता है डी पार्ट, ठीक है। उपयोगकर्ता के प्रदर्शन पर नियंत्रण करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, बाकी सुरक्षा करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट करना, ऐसे भी कार्य जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर और हार्डवेयर के बीच का एक इंटरफेस होता है, और एक सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल को मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, सिक्योरिटी रखता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, जॉब शेड्यूलिंग आदि का कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे आम प्रकार का सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये बताना है, ठीक है। कम्युनिकेशन है, या एप्लीकेशन है, या सिस्टम है, या फिर वर्ड प्रोसेसिंग है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो आंसर इसके क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आंसर सी ऑप्शन रहेगा, सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे आम प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर के बीच, या फिर दूसरे शब्दों में यूजर और मशीन के बीच जो है इंटरफेस की तरह कार्य करता है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम इनमें से अनिवार्य है, ये बताना है, ठीक है। तो कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए अगर हम देखेंगे इनमें से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब प्रचालन तंत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, तो इसका जो है प्रोग्राम होना अनिवार्य है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के तीन मुख्य कार्य होते हैं, कौन कौन से कार्य होता है। तो पहला उसका कार्य होता है कि कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन, जैसे कि सीपीयू है, मेमोरी डिस्क है, ड्राइव है और प्रिंटर है, इनका सबका प्रबंधन करना, यूजर इंटरफेस स्थापित करना, एग्जीक्यूट तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सेवाएं प्रदान करना, ये तीन मुख्य कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम क्या है, ये बताना है, ठीक है। तो इसके अगर हम बात करेंगे, ये जो हिंदी में इतना शुद्ध लिखा हुआ है, चल दूरभाष प्रचालन पद्धति, इसको एंड्रॉयड कह सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसके छठवें वर्जन का नाम क्या था, ये बताना है, ठीक है। तो इसका उस समय अगर हम बात करेंगे तो नाम था मार्स मेलो, इसका नाम था
आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा मार्शमेलो। ठीक है, ये गूगल के द्वारा अक्टूबर 2015 में जारी किया गया था मार्शमेलो, एंड्रॉयड का ये छठवां वर्जन था जिसका आधिकारिक नाम है एंड्रॉयड 6.0.6.0.1 मार्शमेलो है। ठीक है, इस समय एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का ये लेटेस्ट वर्जन अगर देखा जाए तो नोगट, ओरियो तथा पाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नई प्रक्रिया बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किस सिस्टम कॉल का जो है उपयोग किया जाता है इसमें से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, फॉर्क सिस्टम कॉल का जो है उपयोग करते हैं, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्क सिस्टम कॉल का उपयोग जो है एक नई प्रक्रिया बनाने के लिए करते हैं जिसे चाइल्ड प्रोसेस कहा जाता है, जो फॉर्क कॉल यानी कि पेरेंट प्रोसेस करने वाली प्रक्रिया के साथ साथ चलती है। यह एक नई चाइल्ड प्रोसेस बनने के बाद दोनों प्रोसेस फॉर्क सिस्टम कॉल के बाद अगले निर्देश को जो है निष्पादित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से लिनक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं इनमें से। ठीक है, लिनक्स की बात करेंगे तो इनमें से बताना है कि कौन सही नहीं। तो ऑप्शन पहला दिया गया है कि यह है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सही है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। लिनक्स का उपयोग एम्बेडेड सिस्टम में किया जाता है, यह भी सही है। ठीक है, लिनक्स का उपयोग आप एम्बेडेड सिस्टम में करते हैं। सी पार्ट है, लिनक्स की एक अनूठी विशेषता है कि यह है कि इसमें कर्नेल नहीं है, जो कि गलत है, लिनक्स में कर्नेल होता है। ठीक है, डी पार्ट है, इसे बिना सॉफ्टवेयर लाइसेंस के कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जा सकता है, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें सही नहीं विकल्प बताना था जो कि सी पार्ट सही नहीं है, तो आपका सी पार्ट ही ऑप्शन हो जाएगा सही, तो आंसर सी हो जाएगा। लिनक्स जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एम्बेडेड सिस्टम में उपयोग किया जाता है और बिना लाइसेंस के कंप्यूटर पर इंस्टॉल भी किया जा सकता है, और कर्नेल जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, कोर होता है, तो कर्नेल इसमें पाया जाएगा। तो इस तरीके से सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डेडलॉक क्या होता है। तो डेडलॉक की अगर हम बात करेंगे तो वो स्थिति जहाँ प्रत्येक प्रोसेस जो है रुक जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए जो है दूसरे की प्रतीक्षा करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेडलॉक कहते हैं। तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेडलॉक आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डेडलॉक जो होता है एक ऐसी स्थिति होती है जहां प्रोसेस का एक सेट ब्लॉक हो जाता है, और क्योंकि प्रत्येक प्रोसेस में एक रिसोर्स होता है और किसी अन्य प्रोसेस द्वारा जो है एक्वायर्ड करके दूसरे रिसोर्स की वेट करता है, तो इस तरीके से आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, डेडलॉक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इनमें से। ठीक है, यूनिक्स, लिनक्स, एमएस डॉस, जावा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो वो हो जाएगा आपका आंसर सी ऑप्शन, जावा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है इसमें। क्यों नहीं, तो जावा जो है गेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जावा के बारे में ये जान लीजिए, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो वेब डिजाइनिंग में करते हैं, जबकि यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, एमएस डॉस हो गया, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो सिम्बियन क्या है। ठीक है, सिम्बियन, सिम्बियन की बात कर रहा है, तो सिम्बियन की अगर हम बात करेंगे तो ये एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिम्बियन क्या है, एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये अगर हम बात करें तो सिम्बियन अभी हाल फिलहाल में क्या है, ये बंद हो चुका है, जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे स्मार्टफोन के लिए जो डिजाइन किया गया था। सिम्बियन का इस्तेमाल सैमसंग, मोटोरोला, सोनी एरिक्सन और नोकिया जैसे कई मोबाइल फोन में किया जाता है। एंड्रॉयड आने के बाद सिम्बियन का प्रयोग धीरे धीरे बंद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एप्लीकेशन विंडो में कौन सा एक बटन होता है जिसे आप बाईं या दाईं ओर खींच कर यानी ड्रैग कर सेटिंग मान को जो है क्रमशः घटा या बढ़ा सकते हैं। तो कौन सा ऐसा एक बटन होता है जिसके बारे में ये इस तरीके से कार्य कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्लाइडर बटन। ठीक है, स्लाइडर के द्वारा हम किसी को बाईं या दाईं ओर ड्रैग करके सेटिंग के मान को घटा या बढ़ा सकते हैं, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। किसी एप्लीकेशन विंडोज स्लाइडर विंडोज के निचले भाग में साइड में दिया गया एक जूम बटन होता है जिसे बाईं या दाईं ओर खींचकर पेज को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसकी सेटिंग से फॉन्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी जूमिंग सेटिंग न्यूनतम 10% और अधिकतम कितनी होती है, 500% होती है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी ओएस विंडोज ओएस में वर्तमान में सक्रिय एप्लीकेशन विंडोज को क्लोज करने के लिए यानी बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा, Alt प्लस F4 फंक्शन की, जो F4 होता है उसको हम दोनों एक साथ दबाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो खुला हुआ ओपन हुआ विंडोज होता है वो क्या होता है, एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाता है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कंप्यूटर की बूटिंग के लिए अगर हम देखेंगे इसमें तो आवश्यकता किसकी होती है,
तो कंप्यूटर की बूटिंग के लिए आवश्यकता पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। बगैर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर जो है बूट नहीं हो सकता। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर बूटिंग के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर ऑन किए जाने पर बायोस स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान करके उसे सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डालता है तथा सॉफ्टवेयर के उपयोग से लायक जो है बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे हम बूटिंग कहते हैं। तो बूटिंग किसे कहते हैं इसकी परिभाषा जान गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोरर या फिर फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए कौन सा कीबोर्ड हम प्रयोग करते हैं, कौन सा शॉर्टकट कीबोर्ड प्रयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करें। ठीक है, विंडोज की प्लस ई, विंडोज कुंजी प्लस ई का प्रयोग करते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विंडोज के प्लस ई का प्रयोग करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में। विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए जो है विंडोज कुंजी प्लस ई शॉर्टकट को दबाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, विंडोज की प्लस ई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो कौन सा एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो साधारण जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मकता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इनमें से? डॉस, ओरेकल, लिनक्स, विंडोज, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ओरेकल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। ओरेकल क्या होता है? ओरेकल जो है एक डाटाबेस पर आधारित एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी डॉस, लिनक्स, विंडोज ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इनमें से? एंड्रॉयड, स्केला, यूनिक्स, विंडोज, इनमें से कौन सा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा? तो स्केला नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी एंड्रॉयड है, यूनिक्स है, विंडोज है, ये सभी क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्केला क्या है? तो स्केला एक सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कार्यात्मक प्रोग्रामिंग और मजबूत स्थिति प्रकार होता है। स्केला को मार्टिन ओडस्की के द्वारा बनाया गया था। इसका 2004 में पहला संस्करण जारी किया गया था। स्केला जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शन भाषाओं की सुविधाओं को आसानी से एकीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा नहीं इनमें से? तो पाई होता है। ठीक, एंड्रॉयड का ही लॉलीपॉप भी है, मार्शमेलो जो छठवां वर्जन आता था, कैंडी बीन इसका नहीं है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह होता है जो मोबाइल तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। यह विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच समन्वय स्थापित करता है। वर्तमान समय में नवीनतम एंड्रॉयड 12 है जिसे स्नोकोन के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी एंड्रॉयड 13 है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एंड्रॉयड 13 का क्या नाम है बताइएगा कमेंट में। और एंड्रॉयड 11 को रेड वेलवेट केक के नाम से जानते हैं। कैंडी बीन जो है एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इनमें से? मैक ओएस, क्रोम, एंड्रॉयड, विंडोज। तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रकार की बात करेंगे तो क्रोम नहीं होता, बाकी मैक ओएस, एंड्रॉयड, विंडोज होता है। ठीक है, मैक ओएस मीन्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। एंड्रॉयड और विंडोज सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि गूगल क्रोम का एक वेब पेज ब्राउजर है जिसे गूगल के द्वारा ओपन सोर्स कोड द्वारा निर्मित किया गया है और यह सितंबर 2008 में रिलीज हुआ। कौन? क्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों को दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए जो है बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है। इसका उपयोग कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है। हार्डवेयर किसी कंप्यूटर सिस्टम के उन संग्रहों का हिस्सा है जिसे आप शारीरिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस है, मॉनिटर है, सभी हार्डवेयर के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो आंसर भी ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं का अच्छे से उपयोग करने के लिए होता है, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का अच्छा उदाहरण है। इसके बिना क्या होता है? कंप्यूटर नहीं चल सकता। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूजर तथा हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। बिना इसके कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं चला जा सकता। उदाहरण की बात करें तो विंडोज है, लिनक्स है, मैक ओएक्स है, ये सभी क्या है? एंड्रॉयड है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है जो हार्डवेयर और उपयोग को नियंत्रित और समन्वित करता है? तो इसमें अगर फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज ओएस में आता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, विंडोज ओएस में जो तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन आता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं विंडोज मैसेंजर। क्या कहते हैं? विंडोज मैसेंजर कहते हैं। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध प्रक्रिया स्थिति नहीं होती है, इनमें से बताना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में अगर देखेंगे तो स्टार्विंग जो प्रक्रिया होती है ये इसमें नहीं होता, बाकी रेडी वेटिंग रनिंग ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्टार्विंग की अगर हम बात करेंगे तो इससे संबंधित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रॉयड एक तरह का किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो एंड्रॉयड जो होता है ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा जो कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड खासकर मोबाइल में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किस प्रकार का एक कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। तो भी इसके बारे में बहुत बार बात हो चुका है, आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसके बारे में बातें हो चुकी हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को किस रूप में जाना जाता है, तो इसको हम किस रूप में जानते हैं बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको हम किस रूप में जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं फाइल सिस्टम प्रबंधन के रूप में, तो आंसर इसका फाइल सिस्टम मैनेजमेंट हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है, तो वो है विंडोज, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही है ना, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज को कब विकसित किया गया था, तो 1985 में विकसित किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ सोलरिज को सन माइक्रो सिस्टम ने जो है 1992 में रिलीज किया, 2010 में इसका नाम ओरेकल सोलरिज कर दिया गया, और यह यूनिक्स ओएस फैमिली का होता है। ठीक है, यूनिक्स ओएस को बेल लैब में डेवलप किया गया है, इसका पहला संस्करण 1971 में आया था। के थॉम्सन हो गया, डेनिस रिचे, ग्रेरियन कर्निसन, डगलस माइक्रो और इसके बाद जोय ओसाना ने जो है मिलकर इसको डेवलप किया था। लिनक्स की बात करेंगे तो एक ओपन सोर्स सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसका पहला संस्करण 1991 में रिलीज किया गया था। इसे सी और असेंबली लैंग्वेज में जो है लिखा गया है। यह एक कमिटी कंट्रीब्यूटर डेवलपर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, GUI का आपको कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताना है, इसका मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था क्या होता है, आप लोग बताइए कमेंट करके। अगर आप लोगों ने देखा होगा पिछला वीडियो तो जरूर बताएंगे इसको, बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। निम्न में से कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो GUI का आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या क्या है, तो डॉस भी होता है और लिनक्स भी होता है, तो दोनों होता है, तो आंसर इसका बी आप समझेगा, डॉस और लिनक्स दोनों होता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो GUI का आप कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स एक प्रकार का क्या है, तो लिनक्स जो होता है एक प्रकार का किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स जो होता है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिनक्स क्या है, फ्री यानी ओपन सोर्स सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत जारी किया गया है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एक वैकल्पिक फ्री ओपन सोर्स संस्करण के रूप में बनाया गया था, जो स्वयं यूनिक्स के आधारित पर सिद्धांत पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इनमें से। ठीक है, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा ये बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा, डेबियन, फेडोरा, उबंटू, ये सभी लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त क्या हो जाएगा, ये सभी डेबियन, फेडोरा और उबंटू ये सभी जो है लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर कार्य नहीं करता, ये सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर दोनों को संचार को मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये लिनक्स पर आधारित है, लिनक्स पर आधारित है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ, उबंटू क्या है, उबंटू क्या है या उबंटू क्या है, तो उबंटू की अगर हम बात करेंगे तो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह माइक्रोसॉफ्ट की तरह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इसे पहली बार 2004 में जो है जारी किया गया था, इसे डेबियन लिनक्स के कोड बेस पर बनाया गया है। उबंटू में कई सॉफ्टवेयर पैकेज हैं जिन्हें GNU जनरल पब्लिक के तहत लाइसेंस प्राप्त है, यह उपयोगकर्ताओं को प्रोग्राम के अपने स्वयं के संस्करण के कॉपी करने, बदलने, विकसित करने और प्रवर्तित करने की अनुमति देता है। लिनक्स सेल का कौन सा इनमें से एक उदाहरण है ये बताना, ठीक है, बेबी कॉर्न, GBU, GBT क्या है जो लिनक्स सेल का एक उदाहरण इनमें से बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, कॉर्न जो होता है लिनक्स सेल का उदाहरण है, लिनक्स सेल का उदाहरण, तो आंसर बी आप समझेगा। ठीक है, कॉर्न सेल जो है यूनिक्स सेल है, कमांड निष्पादन प्रोग्राम जिसे अक्सर कमांड इंटरप्रेटर कहा जाता है,
जिसे बेल लैब्स के डेविड कॉर्न के द्वारा जो है अन्य प्रमुख यूनिक्स सेल के व्यापक संस्करण के रूप में विकसित किया गया था। इसे कैस कस के रूप में जो है दर्शाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उबंटू, मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण है, किसके वर्जन है ये बताना। तो ये सभी की अगर हम बात करेंगे तो ये सभी आते हैं लिनक्स के वर्जन। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, लिनक्स के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लिनक्स सिस्टम की विशेषता इनमें से। तो लिनक्स सिस्टम की विशेषता की अगर हम बात करें तो ये मल्टी यूजर होता है, साथ ही साथ मल्टी टास्किंग भी कर सकता है। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लिनक्स जो होता है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मार्केट में निःशुल्क उपलब्ध है, फ्री उपलब्ध होता है। जैसे उबंटू हो गया और डेबियन हो गया, एंड्रोरा हो गया, ठीक है, और साथ साथ फेडोरा, एंड्रॉयड और फेडोरा हो गया। आज जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लिनक्स मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मल्टी यूजर का मतलब कई यूजर एक ही समय में सिस्टम के रिसोर्स तक पहुंच सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं, और मल्टी टास्किंग जो है एक ही समय में अलग अलग एक या एक से अधिक कार्य या टास्क को करने की सहमति देता है, उसको हम मल्टी टास्किंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें से उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण की बात करेंगे तो जो है डॉस, ओएस वर्जन 2 और यूनिक्स, ये तीनों होते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी। ठीक है, डॉस का फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। ठीक है, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म बनता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा लिनक्स का प्रमुख मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है। तो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने वाला जो प्रमुख घटक है वो होता है कर्नेल। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन है, कर्नेल। ठीक है, कर्नेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग है, यह कंप्यूटर और हार्डवेयर के संचालन का प्रबंधन करता है। कर्नेल दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो कर्नेल जिसमें केवल बुनियादी कार्य क्षमता होती है, तथा अन्य मोनोलिपिक कर्नेल जिसमें कई डिवाइस ड्राइवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होता है। तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम अनिवार्य होता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से किसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया जा सकता है इनमें से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, कम टर्न अराउंड समय को जो है समर्पित नहीं करते। तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो सकता। बैच सिस्टम में जो है बार बार बड़े काम का प्रबंधन करना आसान होता है, जबकि कम टर्न अराउंड समय को जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है इनमें से। तो नॉन इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करेंगे इनमें से तो कौन सा हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आंसर, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये नॉन इंटरेक्टिव होता है। तो आंसर सी ऑप्शन का राइट है। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सीधे कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करता, ये एक ऑपरेटर है जो समान आवश्यकता वाले समान कार्य लेता है और उन्हें बैचों में जो है सम्मोहित करता है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है। तो विंडोज की अगर हम बात करेंगे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एमएस डॉस की कमियों को दूर करने के लिए 1990 में विंडोज 3.0 जारी किया गया था। बाद में इस समय समय पर इसके कुछ संशोधित संस्करण जारी किए गए हैं, जैसे कि विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज एमई यानी कि मिलेनियम, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 10 आदि। यह ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI पर आधारित होता है और इसे सीखना और इस पर कार्य करना आसान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूनिक्स, एमएस डॉस और लिनक्स इनमें से सभी किसके उदाहरण है। तो यूनिक्स, एमएस डॉस और लिनक्स जो होता है ये किसके उदाहरण, या लिनक्स किसके उदाहरण होता है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 7 का एक मान्य संस्करण नहीं है इनमें से। तो इनमें से अगर लर्नर की बात करेंगे तो ये विंडोज 7 का संस्करण नहीं होता, बाकी प्रोफेशनल, अल्टीमेट, एंटरप्राइज ये सभी जो है विंडोज 7 के संस्करण होते हैं। अगर हम बात करेंगे विंडोज 7 के मान संस्करण तो बात करते कुछ इस तरीके से देख लीजिए कौन कौन से। तो स्टार्टर है, होम बेसिक है, होम प्रीमियम है, प्रोफेशनल है, इंटरप्राइज है और अल्टीमेट है। तो इस तरीके से विंडोज 7 के इतने सारे जो है वर्जन है, इतने सारे जो है संस्करण है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स सिस्टम पर उपयोग की जाने वाली फाइलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ऑब्जेक्ट फाइल प्रारूप यानी COFF
विनिर्देश प्रारूप नहीं है, ठीक है। सामान्य ऑब्जेक्ट फाइल प्रारूप की अगर हम बात करेंगे इनमें से, तो कौन सा इनमें से एक नहीं होता ये बताना है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, स्टैटिक नहीं होता, ठीक है, स्टैटिक नहीं है। यूनिक्स सिस्टम पर उपयोग किए जाने फाइलों के लिए स्टैटिक फाइल प्रारूप नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स लिनक्स चलाने वाले कंप्यूटर में एक ए डॉट आउट फाइल क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार का फाइल होता है ये बताना है। तो ए डॉट आउट फाइल जो होता है ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए डॉट आउट फाइल जो होता है ये एक फाइल फॉर्मेट होता है जिसका उपयोग यूनिक्स लिनक्स के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के पुराने संस्करणों में एग्जीक्यूटेबल फाइल या फिर ऑब्जेक्ट कोड के रूप में प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से नहीं है। एक तो ओ एस एक्स होता है, विंडोज 7 भी होता है, डॉस भी होता है, लेकिन सी प्लस प्लस नहीं होता। सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, एक लैंग्वेज हो गया। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उचित संस्करण नहीं है इनमें से। तो इनमें से अगर देखें तो विंडोज 9 जो है इसका संस्करण है, बाकी विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज एक्सपी आता है, ठीक है। और 1985 में बिल गेट्स के द्वारा जो है विंडोज का पहला वर्जन मार्केट में लॉन्च किया गया था। तो इस तरीके से इसमें इस सीरीज में विंडोज 9 जो है सीरीज में के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है इनमें से। तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो मल्टी टाइमिंग ओएस जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या प्रचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इनमें से। तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो जेबीएम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, बाकी काली लिनक्स, विंडोज, मैकओएस ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। जेबीएम को जो है जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं, जो कंप्यूटर के जावा प्रोग्रामिंग को रन कराने में मदद करता है। जावा वर्चुअल मशीन रन टाइम इंजन की तरह कार्य करता है, जबकि काली लिनक्स, मैकओएस, विंडोज ये तीनों फॉर्मेट ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इनमें से प्रकार। तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार कौन सा नहीं है, तो एंड्रॉयड जो होता है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं होता। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एंड्रॉयड का एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्मार्टफोन, टैबलेट जैसे टच स्क्रीन मोबाइल उपकरण के लिए डिजाइन किया गया है। मैक, लिनक्स और विंडोज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे इनमें से, तो वो हो जाएगा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ये एक गैर मुक्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसके लिए सॉफ्टवेयर का प्रकाशक या कोई अन्य व्यक्ति इस स्रोत कोड का कॉपीराइट रखता है, लेकिन कभी कभी पेटेंट अधिकार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉस में निम्नलिखित निम्नांकित में से कौन सा कमांड एक डिस्क के वॉल्यूम स्तर को निर्मित तथा संशोधित करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इनमें से कौन सा एक हो जाएगा, तो वो होता है लेबल डॉट ई एक्सी, ठीक है। आंसर क्या जाएगा, लेबल डॉट ई एक्सी। अब देखिए MEM जो दिया गया है ये एक खाली एवं प्रयुक्त मेमोरी को दिखाती है। लेबल जो होता है डिस्क के वॉल्यूम स्तर को निर्मित और संशोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। VOL यानी वॉल्यूम होता है किसी डिस्क का वॉल्यूम स्तर तथा सीरियल नंबर बताता है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था। तो यह विकसित किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। आंसर ए पार्ट करेक्ट जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है इनमें से। तो इनमें से सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है ओएस, ठीक है। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें एक स्थायी डाटा होता है और ट्रांजेक्शनों के प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट हो जाता है। तो यह होता है जो है ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल के अंतर्गत। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल में सारी चीजें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का एक लघु मतलब कौन सा इनमें से एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को समय से नियंत्रित करता है और जब से यह ऑन होता है तब तक और जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे नियंत्रित अपने नियंत्रण में नकल ले। तो ये किसके बारे में कही गई बातें हैं, तो ये सारी बायोस के बारे में बातें कही गई हैं। तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, बायो, ठीक है। बायोस मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म बनता है। इसका उपयोग बूटिंग प्रक्रिया के समय हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन करने के लिए जो है किया जाता है। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश में इनमें से इसमें संग्रहित किया जाता है और किसमें संग्रहित किया जाता है सारी चीजें, तो ये होता है बायोस में। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बायोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रचालन प्रणाली कौन सी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात कर रहा है इसमें से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो है डी पार्ट, लिनक्स जो होता है प्रचालन प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो डी पार्ट, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा इसमें, तो लिनक्स होता जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मदरबोर्ड पर स्थित किसमें स्टोर होता है।
तो बायोस सिस्टम जो होता है ये रीड ओनली मेमोरी में रोम, यानी रोम जिसको कहते हैं, इसमें जो स्थित होता है, स्टोर होता है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बायोस मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है। ये एक नॉन वोलेटाइल रोड रोम में जो है चिप पर जो है स्टोर होता है। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो कंप्यूटर को ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करने और फिर इसे उपयोगकर्ताओं द्वारा एप्लीकेशन रन करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बायोस क्या है? तो बायोस के बारे में अभी ऊपर बात हुआ। बायोस जो होता है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करने का कार्य करता है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बायोस का फुल फॉर्म क्या है? तो अभी ऊपर इसके बारे में बताया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है। तो सी पार करेक्ट हो जाएगा। सिस्टम को बूट करने का से क्या अभिप्राय है? सिस्टम को बूट करने के अभिप्राय ये होता है, अभिप्राय अर्थ ये होता है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। तो आंसर ए पार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सीपीयू और बायोस मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, जिसमें कंप्यूटर यह पता करता है कि मदरबोर्ड से कौन कौन उपकरण जुड़े हुए हैं, और यह है प्रक्रिया पोस्ट कहलाती है। ठीक है, इसके बाद बायोस बूटिंग डिवाइस को जो है सर्च करता है, और जब बूटिंग फाइल मिल जाती है तो उसे उसी से कंप्यूटर बूट करा देता है और कंप्यूटर में विंडो की लोडिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से यह प्रक्रिया होती है जब स्टार्ट करा जाता है कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इनमें से तो कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर को उपयोगकर्ताओं के प्रोग्राम्स को निष्पादित करने के लिए तैयार करना ही कंप्यूटर बूटिंग कहलाता है। तो आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर के माध्यम से शुरू करने की प्रक्रिया जैसे कि बटन प्रेस या सॉफ्टवेयर कमांड द्वारा कंप्यूटर शुरू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। ठीक है, बूटिंग की ही परिभाषा है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है? फिर वही क्वेश्चन घुमा के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। ठीक है, बूटिंग प्रक्रिया के दौरान। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बूटिंग एक टर्म है जो प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग होता है। किसको प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को डिस्क से मेमोरी में अपलोड किया जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बूटिंग जो होता है कि स्टार्टअप अनुक्रम होता है जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑन होने पर शुरू हो जाता है, और बूटिंग प्रोसेस शुरू होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी प्रोग्राम रैम में लोड हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सिस्टम फाइल को मेमोरी में यानी मेमोरी यानी रैम में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सही विकल्प ज्ञात करें जो बूटिंग के समय स्वचालित रूप से स्थापित होने के लिए लिनक्स संचिका प्रणालियों से युक्त संचिका यानी कि फाइल दर्शाता है। कौन सा फाइल दर्शाता है? तो ये फाइल का नाम हो जाता है etc.fstab। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बढ़ते विभाजन की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए आवश्यक जानकारी जो है शामिल होती है इसमें। कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए कि बूट हो सके? तो कंप्यूटर में इनमें से अगर देखा जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम अवश्य होना चाहिए। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीसी को छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को हम कहते हैं बूट प्रोग्राम। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कमर्शियल लॉन्च करने से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल ट्रामेल टेस्ट क्या कहलाता है? तो ट्रामेल टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये टेस्ट कहा जाता है बीटा टेस्ट। इसको क्या कहते हैं? बीटा टेस्ट कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बीटा टेस्ट क्या है? तो सॉफ्टवेयर विकास में बीटा परीक्षण सॉफ्टवेयर परीक्षण का दूसरा चरण होता है जिसमें लक्षित दर्शकों का एक नमूना उत्पाद की कोशिश करता है। बीटा टेस्ट को कभी कभी यूजर्स की स्वीकृति यूएटी यानी परीक्षण या फिर अंतिम यूजर्स परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? तो यह किस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है? तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है जो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण होता है और रोम में रहता है, जैसे वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। वो कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? तो वो कौन सा प्रोग्राम हो जाएगा? तो उस प्रोग्राम का नाम है लोडर। क्या है? लोडर। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। लोडर, लोडर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग होता है जो कंप्यूटर स्टार्टिंग के समय प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है तथा प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए जो है तैयार करता है। तो यह काम किसका होता है? लोडर का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाया जाता है तो उसको हम कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाकर कार्य करते हैं
तो इसमें कार्य करने की गति में वृद्धि होती है और इसमें एक साथ कई प्रोग्रामों को अलग अलग एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इस प्रक्रिया को जो है पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? तो अभी इसके बारे में ऊपर बातें हुई, क्या कहते हैं उसको? पैरेलल या फिर मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग। यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो इसे किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको हम जानते हैं मल्टी प्रोसेसर के रूप में। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन सही तरीके से करता है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन इनमें से अगर देखा जाएगा तो मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों कर सकता है। तो इस तरीके से आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? तो सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। इसके बारे में बात हो गई है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग जो होता है किसी एक कंप्यूटर पर एक साथ दो या दो से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने की विधि होती है। और मल्टी प्रोग्रामिंग जो होता है यह क्या होता है? पैरेलल प्रोसेसिंग प्रक्रिया जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों को एक ही प्रोसेसर से निष्पादित करते हैं। बैच प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो यह फाइलों को एक ग्रुप अथवा बैच में प्रोसेस करने की एक प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम जिसमें अनेक प्रयोक्ता एक ही समय पर प्रोग्राम चला सकते हैं क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग सिस्टम कहा जाता है। आंसर इसका डी ऑप्शन जाएगा, मल्टीटास्किंग सिस्टम। ठीक है, मल्टीटास्किंग सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो एक समय में एक से अधिक यूजर को एक साथ कई अलग अलग टास्क को पूरा करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मल्टी प्रोग्रामिंग का एक लाभ है इनमें से? तो मल्टी प्रोग्रामिंग का लाभ की अगर हम बात करेंगे तो बी पार्ट जो है उच्च सीपीयू का प्रयोग जो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का लाभ होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ अगर हम बात करेंगे तो बहुत से प्रोग्रामों को एक साथ जो है इसका एग्जीक्यूट करना किया जा सकता है, तो उसको हम मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस किस्म के प्रचालन तंत्र में यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में कई प्रयोक्ता एक समय में एक साथ कार्य सकते हैं? तो किसके बारे में बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मल्टी यूजर प्रचालन तंत्र के बारे में। तो आंसर इसका जो है बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राथमिक उद्देश्य की बात करेंगे तो कंप्यूटर के प्रत्येक उपभोक्ता को द्रुत प्रक्रिया उपलब्ध कराना इसका जो है एक उद्देश्य होता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि कंप्यूटर के प्रत्येक उपभोक्ता प्रत्येक यूजर को तीव्र प्रतिक्रिया प्रदान कराता रहा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इनमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका नाम है DNX। क्या नाम है? DNX नाम है। DNX होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको RTOS कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार का किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यह भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें से? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो लिनक्स होता है इनमें से। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण? ओपन सोर्स बताना है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो एग्जाम्पल कौन सा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का? तो वो हो जाएगा सी पार्ट, लिब्रे ऐप्स। लिब्रे ऐप ही जो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कोई भी सोर्स कोड नहीं होता। ठीक है, तो इसे कोई भी व्यक्ति संशोधित करके उसके विकास में योगदान दे सकता है या फिर स्वयं अपने काम में इसका निःशुल्क उपयोग कर सकता है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कि लिनक्स हो गया, मैक है, फायरफॉक्स है, लिब्रे ऑफिस है, अपाचे है, ये सभी क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है इनमें से? ठीक है, तो लिनक्स है, मोजिला फायरफॉक्स भी, एंड्रॉइड भी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं होता। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसमें जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिनक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है इनमें से? कौन सा इसमें से विकल्प सही नहीं है ये बताना है। तो उबंटू लिनक्स का लोकप्रिय संस्करण है जो कि सही है। दूसरा है, लिनक्स केवल एक कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करता है जो कि गलत है। यह यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है भी सही है। लिनक्स तैयार करने के लिए उपयोग किया गया कोड निःशुल्क होता है जो लोगों के द्वारा देखे जाने, संपादित किए जाने, उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध है। तो यह भी सही है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट गलत था। ठीक है, लिनक्स जो होता है ये एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लोकप्रिय संस्करण में से एक है। ये एक ओपन सोर्स है क्योंकि इसका सोर्स जो होता है, कोड जो होता है, स्वतंत्र रूप से फ्री उपलब्ध है। और उबंटू इसका लोकप्रिय संस्करण है। यह कमांड लाइन और ग्राफ के लिए इंटरफेस उपलब्ध करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं इनमें से? तो वो हो जाएगा लियोपर्ड। बाकी फेडोरा, लिनक्स मिंट और उबंटू ये सभी क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण है, लेकिन लियोपर्ड जो है, लियोपर्ड इसका जो है संस्करण नहीं होता। ठीक है,
लियोपार्ड क्या है, लियोपार्ड इसका संस्करण नहीं है। लियोपार्ड जो है यह किसका है, तो यह मैक ओएस का जो है वर्जन है, मैक ओएस का। अगला क्वेश्चन, लिनक्स ओएस और लिनक्स टारवेल्स द्वारा कब विकसित किया गया था, तो लिनक्स ओएस को लिनक्स टारवेल्स के द्वारा कब विकसित किया गया था, तो 1991 में विकसित किया गया था। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो भी इसके बारे में बहुत बार बात हो चुका है, आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट ओपन सोर्स, 1991 में इसका विकसित किया गया था। लिनक्स किसका उदाहरण है, तो लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से है, ठीक है, उबंटू, लिनक्स, यूनिक्स, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, तो तीनों होते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण, तो यूनिक्स है, लिनक्स है, उबंटू है, विंडोज है, एमएस डॉस है, मैक ओएस है, सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सही वर्णन करता है, इनमें से कौन सा एक सही वर्णन करता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी यूजर होता है, ठीक है, ये इसके बारे में सही ऑपरेटिंग करता है। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर बनता है पेंगुइन, इसका शुभंकर क्या है, पेंगुइन है, आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका शुभंकर क्या है, पेंगुइन है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अन्य सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण, तो एमएस डॉस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, सभी भी उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है, तो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का उदाहरण है, ठीक है, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का उदाहरण कौन सा है, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आंसर सी ऑप्शन है। अब पाम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, तो पाम ओएस यानी कि गार्नेट ओएस के रूप में इसे जाना जाता है, ये भी गार्नेट भी जान लीजिएगा, गार्नेट ओएस के रूप में भी इसको जानते हैं। 1996 में जो है व्यक्तिगत डिजिटल सहायक यानी पीडीए के लिए जो है ये शुरू किया गया पाम में, इंक द्वारा जो है विकसित एक बंद मोबाइल माने कि क्लोज्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिंगल यूजर को एक समय में केवल एक ही कार्य करने की अनुमति देता है, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो यह विकसित किया गया था बेल लैब्स के द्वारा, आंसर डी ऑप्शन है, बेल लैब्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि यूनिक्स हो गया, विंडोज है, डॉस है, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्स जैसे कि मेमोरी हो गया, प्रोसेसर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, इसको जो है व्यवस्थित करता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है 1969-70 में बेल प्रयोगशाला में जो है विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे इनमें से, तो वो हो जाएगा यूनिक्स, ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, यूनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है, तो इसको हम जानते हैं जो है डी पार्ट हो जाएगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स क्या है, तो यूनिक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये एक प्रकार का मल्टी टास्किंग प्रचालन तंत्र है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स जो है किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडो 2007 किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स जो है एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज 2007 जो है ये एकल उपयोग करता है, माने कि सिंगल अगर हम बात करेंगे तो ये सिंगल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस तरीके से जान लीजिए, तो यूनिक्स के बारे में, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स में प्रोसेसर किस प्रकार का होता है, तो यूनिक्स में प्रोसेसर की बात करें तो चलता प्रोग्राम है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनिक्स एक किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स जो होता है ये अगर हम बात करें तो ये विविध प्रयोगकर्ता और बहुकार प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं, मल्टीटास्किंग सिस्टम यूनिक्स मल्टीटास्किंग और यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि मूल रूप से एटी और टी से बना हुआ होता है, ठीक है। यूनिक्स आर्किटेक्चर की बात करें तो यूजर होता है, फिर एप्लीकेशन, सेल, कर्नेल, फिर हार्डवेयर होता है, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स में एक आई नोड का अर्थ क्या होता है, तो यूनिक्स में आई नोड का अर्थ होता है इंडेक्स नोड, क्या होता है, इंडेक्स नोड होता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इंडेक्स नोड जो होता है ये क्या होता है, आई नोड जो होता है इंडेक्स का संक्षिप्त रूप है, यह यूनिक्स शैली में एक डेटा संरचना है जो फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट जैसे कि फाइल डायरेक्टरी का वर्णन करता है। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बात करेंगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस तरीके से एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि विंडोज 10 में निर्मित ब्राउजर क्या कहा जाता है, तो विंडोज 10 में जो निर्मित ब्राउजर है उसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, किस नाम से जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से जानते हैं, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 को किस वर्ष में जारी किया गया था, तो विंडोज 10 को जारी किया गया था जो है 2015 में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा 2015।
विंडोज 10 जो है 29 जुलाई 2015 को सामान्य उपयोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विंडोज का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 1985 में। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1985। ठीक है, विंडोज 10 की अगर हम बात करेंगे तो विंडोज का पहला संस्करण 1985 में लॉन्च हुआ था, 1985 नवंबर 1985 में जो है लॉन्च हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है तो ये एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य कर सकते हैं, जो कि सही है। यह कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें कुशलतापूर्वक विभिन्न उपयोगकर्ताओं या कार्यों के लिए आवंटित करता है, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ए पार्ट, एक व दो दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विंडोज एनटी और फैट के पार्टीशनों का आकार जो है का अधिकतम कितना और एमएस डॉस में कितने तक सीमित होता है, यह बताना है। तो विंडोज एनटी के तहत जो है फैट पार्टीशनों का आकार अधिकतम की अगर हम बात करेंगे तो यह होता है 4 GB। ठीक है, कितना होता है? 4 GB। और एमएस डॉस में अगर देखेंगे तो 2 GB तक हो सकता है। ठीक है, 2 GB तक हो सकता है। तो इस तरीके से आंसर ए पार्ट हो जाएगा, 4 GB और 2 GB। फैट विभाजन आकार में विंडोज एनटी के तहत अधिकतम 4 GB 4 GB और एमएस डॉस के अंतर्गत 2 GB यानी 2 GB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो यह विकसित किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण? तो विंडोज की अगर हम बात करेंगे तो यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो विंडोज 7 का निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण एक से अधिक मॉनिटर को सपोर्ट नहीं करता? तो विंडोज 7 की अगर हम बात करेंगे तो ये स्टार्टर को एक से अधिक सपोर्ट नहीं करता। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, स्टार्टर। ठीक है, विंडोज 7 स्टार्टर एडिशन मल्टीपल मॉनिटर को सपोर्ट नहीं करता, जबकि होम बेसिक, होम प्रीमियम, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज, अल्टीमेट एडिशन ये सब मल्टीपल मॉनिटर को सपोर्ट करते हैं। और ये सभी विंडोज 7 के क्या है? वर्जन है। ठीक है, ये सभी क्या है? विंडोज 7 के वर्जन है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 7 का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? मतलब इसके बाद कौन सा वर्जन है विंडोज 7 के बाद, ये बताना है। तो विंडोज 7 का अगला वर्जन जो था वो आया था विंडोज विस्टा। क्या था? विंडोज विस्टा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, आंसर इसका। ठीक है, जो कि 2009 में रिलीज किया गया था विंडोज 7, विंडोज विस्टा का तत्काल उत्तराधिकारी। ठीक है, ये तत्काल उत्तराधिकारी मतलब कि ये विंडोज 7 के पहले कौन आया था? तो वो था 2009 में रिलीज किया गया था विंडोज 7, विंडोज 2009 में कौन सा? विंडोज विस्टा था, जो कि ये इसका तत्काल उत्तराधिकारी विंडोज 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो गो टू मीटिंग है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम, सिस्को वेबेक्स भी है, स्काइप भी होता है, अजूर इसमें से नहीं होता। तो आंसर डी ऑप्शन रहेगा, अजूर। ठीक है, अजूर या जिसे विंडोज अजूर के नाम से भी जाना जाता है माइक्रोसॉफ्ट के सामने क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान? तो कंप्यूटर में विंडोज की अगर हम बात करेंगे तो विंडोज जो होता है ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो उन अलग को चुनना है कि कौन सा इनमें से एक अलग है। तो एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पेंट ये सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आते हैं, लेकिन एमएस विंडोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ये एप्लीकेशन है। तो इस तरीके से आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एमएस वर्ड जो होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, और एमएस पेंट जो होता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होता है। तीनों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आते हैं, जबकि एमएस विंडोज जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अन्य सॉफ्टवेयर को जो है प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो विंडोज एक किस प्रकार का होता है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अविकलित किया गया होता है? ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो विंडोज की अगर हम बात करेंगे तो विंडोज जो होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, विंडोज के बारे में बात कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? तो बिल गेट्स का सुझाव था कि इसको इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाए। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंटरफेस मैनेजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसमें से रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? तो विंडोज सीई हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये सभी अगर हम बात करेंगे तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं, आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है इनमें से? तो विंडोज 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता की बात करेंगे तो रियल टाइम ये विशेषता नहीं है। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग भी नहीं है, मल्टीटास्किंग होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, 3 और 4। ये मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी प्रोग्रामिंग में एक ही डिवाइस पर एक ही समय में कई प्रोग्राम निष्पादित होते हैं, जबकि मल्टीटास्किंग में एक ही संसाधन का उपयोग कई कार्यों को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है विंडोज 8 के बाद, 8 ओएस के बाद क्या आया, विंडोज 8 ओएस के बाद क्या आया ये बताना। तो विंडोज 8 ओएस के बाद विंडोज 10 आया था, आंसर ए पार्ट करेक्ट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना क्या कहलाता है, तो एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना कहलाता है क्लोज, क्या कहलाता है क्लोज कहते हैं उसको, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किससे आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं इनमें से, तो अगर हम बात करेंगे इसके आंसर की तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, एग्जिट से हम आप स्क्रीन को जो है या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फॉन्ट, ये जब आया था तो उस समय क्वेश्चन आया था, तो अगर हम बात करेंगे भारतीय भाषाओं के कितने फॉन्ट जो है विंडोज 7 में डाले गए थे ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट 49 फॉन्ट है, आंसर क्या जाएगा डी पार्ट 49 फॉन्ट, ठीक है। अगर हम बात करें तो वर्तमान में विंडोज 10 की बात कर रहा है, संस्करण प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में कब हुआ, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में कहां पर हुआ था ये बताना है, तो 1975 में अगर हम बात करेंगे तो ये हुआ था अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था इसकी स्थापना, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो उस सेवा का नाम क्या है, तो वो है वन ड्राइव, क्या है वन ड्राइव, आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा वन ड्राइव। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड डिस्क क्लीनअप के द्वारा नहीं किया जा सकता, इनमें से कौन सा कार्ड डिस्क क्लीनअप के द्वारा हम नहीं करते, तो वो कार होता है पावर विकल्प बदलना, ये डिस्क क्लीनअप के द्वारा हम नहीं कर सकते, बाकी अस्थायी वेब फाइलों को निकालना ये कर सकते हैं, अस्थायी विंडोज फाइलों को निकालना ये भी कर सकते हैं, रिसाइकिल बिन खाली करना ये भी कर सकते हैं, लेकिन पावर विंडोज विकल्प नहीं बदल सकते, तो इस तरह डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संस्करण के साथ शामिल एक पूर्ण विस्तार क्षेत्र कूट लेखन यानी फुल वॉल्यूम एनक्रिप्शन सुविधा है, इनमें से तो कौन सी सुविधा है, तो उसके अगर हम बात करेंगे तो आंसर जाएगा सी पार्ट बिट लॉकर जो होता है ये होता है, तो आंसर बिट लॉकर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कोर्टाना क्या है, तो कोर्टाना की अगर हम बात करेंगे तो विंडोज 10 के लिए ध्वनि आधारित व्यक्तिगत सहायता जो होती है उसको विंडोज 10 के लिए, तो उसको हम कहते हैं कोर्टाना, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा कोर्टाना। अगला क्वेश्चन है विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है इनमें से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होता है प्रोग्राम, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा प्रोग्राम, कंट्रोल पैनल उन्हीं आइटम्स को अनइंस्टॉल करने की अनुमति देता है जिसको यूजर के द्वारा पहले से इंस्टॉल किया गया, अतः प्रोग्राम को अनइंस्टॉल किया जा सकता है यदि यूजर द्वारा इंस्टॉल किया गया होता है तो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो विंडोज 7 में कौन सी शॉर्टकट की चयनित वस्तु यानी चयनित आइटम के लिए जो है शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विंडोज सॉरी शिफ्ट प्लस F10 का प्रयोग करेंगे इसके लिए, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 8 में विंडोज की प्लस X शॉर्टकट की का जो है प्रयोग पॉपअप मेनू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है और जिसमें क्या सम्मिलित होता है, तो उसमें सम्मिलित होता है जो है कंट्रोल पैनल, क्या होता है कंट्रोल पैनल उसमें सम्मिलित होता है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो विंडोज 8 में उनके परिणाम के साथ निम्नलिखित क्रियाओं पर मिलान करना है, अगर हम बात करेंगे इसमें तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, तो इसमें से बताना है कि किस पे जो है क्लिक हो जाएगा, तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने के लिए हम रिफ्रेश करेंगे इस तरीके से, ठीक है, जब डेस्कटॉप पर हम राइट क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश होगा। टास्क बार पर राइट क्लिक करें, जब टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे तो उसका क्या प्रदर्शित होगा, तो टास्क बार पर राइट क्लिक करने के लिए जो है प्रॉपर्टीज पर जाया जाता है, तो इस तरीके से तीसरा हो जाएगा गुण, ठीक है। सी है विंडोज स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करने पर क्या होगा, तो वो हो जाएगा बंद करें या साइन आउट करें, तो इस तरीके से ये मिलान करने के लिए आता है, आपको मिलान करना होगा, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज को बंद करने के लिए आपको स्टार्ट मेनू से कौन से विकल्प का चयन करना होगा और फिर शटडाउन का चयन करना होगा, तो इसमें से आंसर हो जाएगा वो पावर बटन का, हम पावर विकल्प का चयन करेंगे तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, या फिर LTF4 के साथ भी शटडाउन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज में निम्नलिखित संस्करण में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है इनमें से, तो वो कौन सा संस्करण है, तो वो है विंडोज 9, ये संस्करण जारी नहीं किया गया, बाकी विंडोज 8 विंडोज 7 और विंडोज 10 ये सभी जारी किए गए, विंडोज 9 जो है जारी नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है इनमें से, तो इनमें से कौन एक वैलिड नहीं है, तो वो है विंडोज 11, आंसर इसका क्या होगा डी पार्ट है, विंडोज 11 जो है वैलिड संस्करण नहीं है। विंडोज 10 जो आया था वो 2015 में आया था, ठीक है, और विंडोज 7 2009 में, विंडोज XP जो आया था 2001 में आया था। विंडोज 7 में चयनित वस्तु यानी आइटम को हटाने और रिसाइकिल बिन में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण संयोजन का प्रयोग करना आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए और किस रूप से आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट विंडोज कंट्रोल प्लस डी से किया जाता है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या करते हैं, तो सिलेक्ट आइटम को कट किया जाता है,
शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या करते हैं, तो बिना रिसाइकिल बिन में भेजे स्थायी रूप से परमानेंटली डिलीट करने के लिए दबाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में कौन सा टैब शामिल है, कितने टैब शामिल है? तो विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में अगर हम देखेंगे तो इसमें टोटल एक, मतलब एक ही टैब शामिल है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, एक टैब। अगला क्वेश्चन, विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय कितने घंटों का होता है या कितने समय का होता है? तो ये मिनट्स में होता है, ठीक है, समय कितने होता है, मिनट्स में होता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विंडोज एक सहायक प्रोग्राम नहीं है, में से कौन सा विंडोज एक सहायक, विंडोज का एक सहायक प्रोग्राम नहीं होता? तो वो होता है वीएलसी प्लेयर, ठीक है। बाकी वर्ड पैर पेंट नोट पैड सभी विंडोज के अंतर्गत आते हैं, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वीएलसी प्लेयर इसके अंतर्गत नहीं आता, वो मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर है जिसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। यदि आप विंडोज 19 को विंडोज एक्सपी से बदल देते हैं तो आप वास्तव में क्या कर रहे होते हैं? तो हम वास्तव में इसको अपग्रेड कर रहे होते हैं, आंसर इसका बी ऑप्शन जो अपग्रेड, ठीक है। विंडोज विंडोज 98 से अगर विंडोज एक्सपी में जाएंगे तो वास्तव में अपग्रेड कर रहे होते हैं, विंडोज 98 को विंडोज एक्सपी से बदलने की क्रिया को अपग्रेड कहते हैं, ठीक है। अपग्रेड प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को आंशिक या पूर्णतः बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज इंटरफेस का प्रयोग किसका प्रयोग करके विकसित किया जाता है? तो विंडोज इंटरफेस का प्रयोग जो होता है ये एक्स विंडोज का प्रयोग करके जो है विकसित किया जाते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता से किसके जो है कार्य को छुपाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता से देखा जाए तो सॉफ्टवेयर के कार्य को छुपाता है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज और ओएस का उपयोग करके प्रिंटर जोड़ने या हटाने के लिए निम्न में से प्रिंटर आइकन पर क्लिक करते हैं, किस प्रिंटर आइकन पर क्लिक करेंगे? तो वो होता है कंट्रोल पैनल में से, ठीक है, कंट्रोल पैनल में से प्रिंटर आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में एक नया फोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी विधियां हैं इनमें से? तो वो होता है नया फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल की दबाना और किसी विद्यमान फोल्डर पर डबल क्लिक करना, जो होता है नई विधि होती है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाकर एक नया फोल्डर बनाया जा सकता है, माउस से राइट क्लिक करके भी नया फोल्डर बनाते हैं, जबकि कंट्रोल की दबाना और किसी फोल्डर पर डबल क्लिक करके नहीं बनाया जा सकता। इसमें हमसे पूछा गया था कि नया अतिरिक्त किसके अतिरिक्त, तो सिर्फ डी के अतिरिक्त और सभी से बना सकते हैं, जिसमें विंडोज एक्सप्लोरर का रेबन मेनू में से फोल्डर बनाना ये हो सकता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट एन दबाकर बना सकते हैं नया फोल्डर, राइट क्लिक करके नया फोल्डर बना सकते हैं, डी ऑप्शन में जो था इसको करके हम बना नहीं सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज में एक नई फोल्डर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, ठीक है, टास्क मैनेजर का या फिर कंट्रोल पैनल या फिर नेविगेशन बार का या फिर विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर का? तो इसमें बताना है कि किस फोल्डर का उपयोग करेंगे आप नया फोल्डर बनाने के लिए, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, विंडोज एक्सप्लोरर का हम प्रयोग करेंगे नया फोल्डर बनाने के लिए, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, नया फोल्डर बनाने के लिए कुछ स्टेप हैं, क्या क्या स्टेप है? पहला है कि सबसे पहले उस ड्राइव को खोलिए जिसमें नया फोल्डर बनाना चाहते हैं, विंडोज स्क्रीन खुलने के बाद, ठीक है। फिर विंडो के मेनू बार में फाइल विकल्प को चुनिए, इससे फाइल का पुल डाउन मेनू खुल जाएगा, जिसके बाद न्यू विकल्प पर क्लिक करिए तथा फोल्डर विकल्प में क्लिक करते ही विंडो में नया फोल्डर के नाम से जो है एक फोल्डर दिखाई देगा, इस नए फोल्डर को आप रीनेम भी कर सकते हैं और उसको अगला कोई भी नया नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं, तो इस तरीके से नया फोल्डर जो है बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक काम विशेषता नहीं है इनमें से, ठीक है, मेनू विंडोज हेल्प सर्च या इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो जो विंडोज होता है यह क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की विशेषता नहीं होती, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है विशेष ग्रुप के यूजर के लिए जो है तथा विशेष उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक हो गए, स्कूल प्रशासन है, ऑफिस वर्क है, लाइब्रेरी है, प्रबंधन आदि है। इसमें मेनू हेल्प सर्च व्यू फाइल एडिट आदि विकल्प होते हैं, जबकि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वर्ड प्रोग्राम में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम की मतलब के घटकों में से शामिल होते हैं, इनमें से किस घटक में टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू और डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस आदि जो है शामिल होता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार, ये विंडो के घटक में शामिल होता है, तो आंसर ए पार करेक्ट है, विंडो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग विंडो की सामग्री को देखने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में दृश्य से बाहर है? तो इसमें से हम किसका प्रयोग करेंगे? तो वो किया जाता है स्क्रॉल बार का, आंसर ए पार करेक्ट हो जाएगा, स्क्रॉल बार, ठीक है। विंडो में अक्सर एक स्क्रॉल बार होता है जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, जो आपको विंडो में ऊपर और नीचे करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। जैसे ही आप विंडो का आकार बदलते हैं या जैसे ही जूम करते हैं, कई प्रोग्राम आपस में रैप टेक्स्ट के रूप में आता है, जिसको देखने के लिए हम स्क्रॉल बार का उपयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विंडोज 10 के लिए एक बूट लोडर है, इनमें से कौन सा एक बूट लोडर है ये बताना है। तो बूट लोडर की अगर हम बात करें, इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बूट एम जी आर एक बूट लोडर होता है, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये विंडोज के पिछले संस्करणों में एन टी एल डी आर बूट प्रबंधन को प्रतिस्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज ओएस के ओएस में आता है उसे क्या कहते हैं। तो तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो विंडोज ओएस में आता है उसको हम कहते हैं विंडोज मैसेंजर, क्या कहेंगे, विंडोज मैसेंजर कहेंगे, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें विंडोज चैट की जो दिया गया है, तो विंडोज चैट जो होता है ये भी टेलीफोन पर जो है बात करने के समान है, अंतर केवल यह है कि बोलने की जगह हम अपनी बात या संदेश कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, जो तत्काल ही रिसीवर के मॉनिटर की स्क्रीन पर जो है तुरंत दिखा दिया जाता है। इसके बाद दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, तो ये माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो दोनों रूपों में उपलब्ध है, और यह मुख्य रूप से अक्सर एक ईमेल अनुप्रयोग में प्रयुक्त होता है। इसमें एक कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कंटेंट मैनेजर, नोट टेकिंग, एक पत्रिका और एक वेब ब्राउजिंग शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त विंडोज को निम्न में से कौन से बेहतर विकल्प बेहतर के रूप में जो है व्यक्त करता है। तो विंडोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, इसमें पहला जो दिया गया विंडोज खुली जगह है जो कंप्यूटर के भागों में उसे ठंडा के लिए लगाया ठंडा करने के लिए लगाया जाता है, जो कि गलत है। फिर आता है विंडोज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो जटिल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए होता है, भी गलत है। फिर आता है विंडोज ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है जो आइकन यानी कि चिन्हों का बड़े पैमाने पर प्रयोग करता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। विंडोज जो है ये जो सी ऑप्शन है ये बेहतर रूप में जो है इसको विंडोज को क्या करता है परिभाषित करता है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विंडोज हार्डवेयर नहीं है, डी ऑप्शन भी गलत है। विंडोज जो होता है वो क्या होता है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस आधारित ओएस सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आइकन का बड़े पैमाने पर प्रयोग करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रथम जो संस्करण था 1.0 था, जो 20 नवंबर 1985 को जो है आया था, और इंटरफेस मैनेजर के नाम से इसे जाना जाता था उस समय। तो ये हो गया विंडोज की बात। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य विंडोज फाइल सिस्टम नहीं में से। तो विंडोज फाइल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये FAT यानी FAT14 जो दिया गया है ये विंडोज फाइल नहीं होता, विंडोज फाइल सिस्टम नहीं, तो बाकी FAT22, NTFS, XFAT ये सभी क्या है, विंडोज फाइल या सिस्टम होते हैं। FAT14 विंडोज सिस्टम की अमान्य फाइल है। NTFS की अगर हम बात करेंगे, इसका पूरा नाम है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है, इसका पूरा नाम भी याद रखिएगा, जिसे विंडोज एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को जो है स्टोर करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है। इसके अलावा FAT22 की बात करेंगे तो फैट जो होता है फाइल सिस्टम का 32 बिट संस्करण होता है। अधिक उन्नत NTFS एक फाइल सिस्टम से पहले विंडोज PC पर कार्यरत है। FAT32 का प्रारूप का जो है व्यापक रूप से USB फ्लैश मेमोरी कार्ड और सभी प्लेटफॉर्म के बीच संगतता के लिए जो है बाहरी हार्ड ड्राइव के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा XFAT जो है ये XFAT को फ्लैश ड्राइव के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे FAT32 की तरह एक हल्के फाइल सिस्टम के रूप में जो है डिजाइन किया गया है, लेकिन NTFS के अतिरिक्त सुविधाओं और ओवरहेड के बिना और FAT32 की सीमाओं के बिना NTFS की तरह XFAT की फाइल और विभाजन आकार की पर सीमाएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विंडोज में एक सेटअप प्रकार नहीं है इनमें से। तो विंडोज में एक सेटअप प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा पार्सल। पार्सल जो होता है वो विंडोज सेटअप प्रकार नहीं है। विंडोज सेटअप वो प्रोग्राम है जो विंडोज को इंस्टॉल करता है या मौजूदा विंडोज इंस्टॉलेशन को अपग्रेड करता है। अपग्रेड टिपिकल और कस्टम विंडोज सेटअप के प्रकार हैं, जबकि पार्सल विंडोज सेटअप का एक प्रकार नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस विंडोज यूटिलिटी का उपयोग आपके कंप्यूटर सिस्टम पर ड्राइव फोल्डर्स और फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है विंडोज एक्सप्लोरर को, आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट है विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है। विंडोज फाइल एक्सप्लोरर जो होता है फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी टूल होता है, जिसका उपयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फोल्डर और फाइलों को जो है ब्राउज करने के लिए करते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर का नया नाम क्या है, फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर जो है खोलने का शॉर्टकट जो विंडोज लोगो की होती है +E करके हम जब दबाएंगे तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो जब किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या होता है। तो जब किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल को बगैर उसको सेव किए बिना
बंद कर दिया जाता है तब फाइल को सेव करने के लिए जो है यूजर्स इनपुट के लिए जो है डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विंडोज आधारित कंप्यूटर में दो फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती, यदि क्या यदि यदि क्यों नहीं हो सकती है? तो क्योंकि यदि उनमें नाम में कोई अंतर ना हो और फाइल में भी समान हो तो वो एक ही नाम से दो फाइल नहीं हो सकती है। इस तरीके से आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि विंडोज फाइल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से गलत है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। विंडोज फाइल सिस्टम में के संबंध में जो है इनमें से कौन सा गलत है? तो विंडोज फाइल सिस्टम के संबंध में अगर निम्नलिखित में से कथन गलत की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी पार्ट जाएगा। फाइल के नाम में संख्यात्मक वर्ण नहीं हो सकते। ठीक है, फाइल के नाम में क्या नहीं हो सकता? संख्यात्मक वर्ण नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आंसर इसका जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से सी ऑप्शन गलत है क्योंकि विंडोज फाइल में सभी फीचर्स पाए जाते हैं, बाकी सभी सही हैं। फाइल में अन्य फोल्डर और फाइलें हो सकती हैं, फाइल के नाम में अंग्रेजी और बड़े अक्षर के छोटे दोनों बड़े अक्षर हो सकते हैं, फोल्डर में .doc और .pdf फाइल दोनों फाइलें हो सकती हैं। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि गलत। इसके बारे में संख्यात्मक वर्ण नहीं हो सकता जो कि गलत। ठीक है, फाइल में विंडोज फाइल में सभी फीचर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोटपैड का उपयोग जो है प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है इनमें से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोटपैड का उपयोग जो हम करते हैं वो केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो ओपन सोर्स जो है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज एप्लीकेशन के संबंध में OLE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OLE का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग होता है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग जो है एक तकनीक है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है, और इसका ओली का जो है कार्य क्या होता है? तो एम्बेडिंग और लिंकिंग करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइल का नाम दो फाइल के नाम में दो भाग होते हैं, प्राथमिक नाम और दूसरा किस प्रकार का नाम होता है? तो दूसरा होता है एक्सटेंशन नेम। ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, एक्सटेंशन। फाइल कंप्यूटर फाइल डेटा को रिकॉर्ड करता है। किसी कंप्यूटर फाइल के दो भाग होते हैं, पहला होता है प्राथमिक फाइल नेम और एक्सटेंशन जो डॉट से अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है, विंडोज प्लस डी का जो है हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विंडोज प्लस डी का उपयोग सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए करते हैं। विंडोज प्लस के की जो है ये प्रयोग किया जाता है क्विक एक्शन को कनेक्ट करने के लिए। विंडोज प्लस अप एरो जो अप वाली एरो जो होती है इसका इस्तेमाल विंडो को बड़ा करने के लिए करते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम दिखने की अनुमति देती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं डी पार्ट हो जाएगा, विंडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विंडो कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। निम्न उपकरण GUI पर आधारित एक OS में सहायता देता है और किस प्रकार का उपकरण सहायता देता है? तो कीबोर्ड टचपैड माउस सभी होता है, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट सभी विकल्प। ठीक है, GUI विंडोज आइकन और मेनू का उपयोग कमांड को पूरा करने के लिए करता है, जैसे फाइलों को सिलेक्ट करना हो गया, खोलना हो गया, डिलीट करना, ऐड करना, मूव करना, सभी होता है। यद्यपि GUI ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से माउस का उपयोग करके नेविगेट किया जाता है, कीबोर्ड का उपयोग शॉर्टकट या एरो की के माध्यम से भी किया जा सकता है। टच पैड का उपयोग भी माउस की तरह GUI में इनपुट के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट को माउस से क्लिक करके उसे स्थानांतरित करने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो एक ऑब्जेक्ट को माउस से क्लिक करके उसे स्थानांतरित करने को अगर हम बात करेंगे तो ये ड्रैगिंग करना कहते हैं इसको, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ड्रैगिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है? इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा? तो वो किया जाता है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, आंसर इसका ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में और सारी चीजें जान लेते हैं। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और यह यूजर और कंप्यूटर के मध्य एक मध्यस्थ का कार्य करता है, साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ग्राफिकल इंटरफेस में MS विंडोज जैसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें डेस्कटॉप एरिया, आइकन्स, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आइकन,
मेनू रेडियो बटन आदि टूल्स का प्रयोग करके कंप्यूटर सिस्टम को कमांड देते हैं, जिससे कार्य करना आसान हो जाता है। एप्पल का अगर हम बात करें, मैक है, विंडोज है, लिनक्स आदि जो है जीयूआई के उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई को सपोर्ट नहीं करता है इनमें से? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वो है डॉस, ठीक है, डीओएस। डॉस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जीयूआई को सपोर्ट नहीं करता। डॉस क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, जो कि एक हार्ड डिस्क ड्राइव से जुड़ा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है? तो किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। विंडो को मिनिमाइज करना, विंडो को मिनिमाइज करना इसका जो है आंसर हो जाएगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए विंडोज आइकन और टूल्स का प्रयोग करता है। जब हम मल्टीटास्क का प्रयोग कर रहे होते हैं तो विंडोज को आइकन में सिंक करते हैं, जिसे मिनिमाइजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से मिनिमाइज के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक विंडो को बंद किए बिना, ठीक है, किए बिना बंद विंडो को बिना बंद किए अस्थायी रूप से स्क्रीन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप किस पर क्लिक करेंगे? तो हम किस पर क्लिक करेंगे? तो हम मिनिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे। आंसर है पार करेक्ट, ठीक है, मिनिमाइज बटन, ठीक है। मैक्सिमाइज की अगर हम बात करें तो मैक्सिमाइज जो बटन होता है, इसकी सहायता से आप छोटे स्क्रीन के साइज को फुल स्क्रीन पर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज एक्सप्लोरर यूजर इंटरफेस को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो विंडोज एक्सप्लोरर यूजर इंटरफेस को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य अंतर संबंध स्थापित करने की व्यवस्था यूजर इंटरफेस कहलाता है। प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट करने, एप्लीकेशन को रन करने तथा डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और इसके जो दो प्रकार हैं कौन कौन से हैं? तो पहला होता है कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के दो जो है प्रकार होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा इंटरफेस के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कौन से ब्रांड ने सबसे पहले जीयूआई तथा माउस के संयोजन का उपयोग किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकिंटोश। मैकिंटोश ब्रांड था जिसने सबसे पहले जीयूआई और माउस के संयोजन का प्रयोग किया था, उपयोग किया था। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जीयूआई मौजूद नहीं होता, और किस में मौजूद नहीं होता? तो जीयूआई जो होता है ये कैलकुलेटर में मौजूद नहीं होता, बाकी लैपटॉप में, एमपी3 प्लेयर में, स्मार्टफोन में, सभी में मौजूद होता है। निम्नलिखित में से कौन जीयूआई घटक को उपयोगकर्ताओं को एक बार में किसी एक विकल्प का चयन करने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, रेडियो बटन, ठीक है। रेडियो बटन को जो एक बार में किसी एक विकल्प का चयन करने की अनुमति देता है। रेडियो बटन एक ग्राफिकल यूजर एलिमेंट है जो यूजर को पारस्परिक रूप से दिए गए विकल्पों में से केवल एक चुनने की अनुमति देता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से जीयूआई घटक उपयोगकर्ताओं को एक सेट से या एक या अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देते हैं? तो इसका आंसर सी पार्ट है, चेकबॉक्स। आंसर क्या जाएगा? सी पार्ट, चेकबॉक्स। चेकबॉक्स जो जीयूआई कंपोनेंट है जो यूजर को कई अलग अलग विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देते हैं। ये एक रेडियो बटन से अलग है, जहां यूजर केवल एक ही विकल्प चुन सकता है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के इंटरफेस के बिना विफलता होगी? एक विफलता होगी तो यह होता है माउस, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माउस इंटरफेस के बिना एक विफलता। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस एक इंटरफेस एक आवश्यक पेरिफेरल डिवाइस होता है। बिना माउस के कंप्यूटर सिस्टम को चलाना कठिन होता है। कुछ अन्य डिवाइस जैसे कि लैपटॉप में टच पैड का प्रयोग किया जाता है। निम्न उपकरण जीयूआई पर आधारित ओएस में सहायता कौन सा इसमें से देता है? तो वो है इसमें से कीबोर्ड भी देता है, टच पैड भी है, माउस भी देता है। तो आंसर जगह सी पार्ट, सभी, ठीक है, सभी विकल्प देता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर में कौन से ब्रांड ने सबसे पहले जीयूआई और माउस के संयोजन का उपयोग किया था? ये क्वेश्चन अभी ऊपर हो गया है। इसका राइट आंसर इजीली क्या हो जाएगा? सी पार्ट, मैकिंटोश। मैकिंटोश इसका राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैकिंटोश जो था वो पहला पर्सनल कंप्यूटर का पहला श्रेणी है, जैसे एप्पल इंक नामक कंपनी के द्वारा जनवरी 1984 को बाजार में उतारा गया था, ठीक है। और मैकिंटोश जो है व्यापारिक रूप से सफल पहला पीसी था जिसमें माउस और जीयूआई पहली बार उपलब्ध कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तेजी से सीखने की अवस्था है? इनमें से तेजी से सीखने की अवस्था कौन सी होती है?
तो वो होता है इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब इसके हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आइकन पर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं आइकन। ठीक है, क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट। आइकन कंप्यूटर स्क्रीन पर स्थित किसी प्रोग्राम या फाइल का एक छोटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जब हम एक आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो संबंधित फाइल या प्रोग्राम खुल जाता है। अगला प्रश्न है, विंडोज में यदि किसी चिन्ह पर जो है, यानी चिन्ह माने आइकन पर थोड़ा घुमावदार तीर है तो यह किसको दर्शाता है? ठीक है, यदि किसी आइकन पर थोड़ा घुमावदार तीर है तो यह किसको दर्शाता है, ये बताना है। तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये शॉर्टकट आइकन को बताता है कि ये जो आइकन है वो किस प्रकार का, तो शॉर्टकट आइकन के तहत आता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विंडोज में शॉर्टकट आइकन को देखने में घुमावदार तीर जैसा लगता है, इस पर डबल क्लिक करने से ये ओपन हो जाता है। शॉर्टकट आइकन हमारे सिस्टम पर कुछ ऑब्जेक्ट तक आसान एक्सेस प्रदान करते हैं, जैसे कई प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट या फिर प्रिंटर। अब इसके बाद है, आई ड्रॉपर टूल का उद्देश्य क्या है? आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर एक टूल है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, पर्पज क्या होता है, ये बताना है। तो ये कलर को कॉपी और ट्रांसफर करता है, ड्रॉपर। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई ड्रॉपर टूल का उपयोग किसी इमेज या किसी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट से रंग चुनने के लिए किया जाता है, या दूसरे शब्दों में आई ड्रॉपर टूल का उपयोग किसी दी गई इमेज से एक रंग का नमूना लेने के लिए किया जाता है, और उस रंग का उपयोग आप जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो आमतौर पर प्रयोग होने वाले एप्लीकेशनों का प्रतिनिधित्व करते हैं इनमें से? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है इसमें से आइकन। ठीक है, आंसर हो जाएगा ई पार्ट, आइकन। आइकन एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो आपके मॉनिटर या एक फाइल पर जो है या प्रोग्राम को दर्शाते हैं। कंप्यूटर डेस्कटॉप में आइकन विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम आइकन। सिस्टम आइकन की बात करेंगे तो ये स्क्रीन के बाईं ओर विंडोज द्वारा इंस्टॉलेशन के वक्त ही ऑटोमेटिक तरीके से बना दिया जाता है। दूसरा होता है शॉर्टकट आइकन। इसके निचले बाएं कोने में एक एरो बना होता है, यह कुछ ऑब्जेक्ट जैसे एक प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट या प्रिंटर आदि के लिए आसान एक्सेस प्रदान करता है। तीसरा होता है फोल्डर या फिर डॉक्यूमेंट्स आइकन। ये नॉन सिस्टम आइकन है जिसमें एरो नहीं होते, ये जिस ऑब्जेक्ट के लिए बने होते हैं उसी की व्याख्या करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं तो वह क्या कहलाती हैं? तो वह उनको क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, आइकन कहते हैं उन्हें, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर या छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? तो उसको भी हम क्या कहेंगे? आइकन कहेंगे। इसके बारे में बात हो चुकी है, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है? तो वो कौन सी कमांड होती है? तो वो होती है आइकन कमांड, जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है। इनमें से कौन सा एक वस्तुओं का एक सचिव प्रतिनिधित्व है जो न केवल सौंदर्य पर संबंधी कारणों के महत्वपूर्ण है बल्कि एक कार्यक्रम के दृश्य पहचान के हिस्से के रूप में भी महत्वपूर्ण है? तो उसको आइकन ही कहेंगे। ठीक है, आइकन किसी भी प्रोग्राम को विजुअल पहचान देने के लिए जो है आइकन का प्रयोग करते हैं, ये इसका मेन मतलब है, तो आंसर आइकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में डेस्कटॉप बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर आदि को बदलने के लिए कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज चुनें, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, विंडोज 10 में डेस्कटॉप बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर इत्यादि बदलने के लिए डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें तथा पर्सनलाइज विकल्प चयन करें। अन्य तरीका में देखेंगे तो गो टू सेटिंग पर जाएंगे, पर्सनलाइज करेंगे, फिर लॉक स्क्रीन पर जाकर स्क्रीन सेवर सेटिंग चुनेंगे। इसके बाद इस सेटिंग में ड्रॉप डाउन लिस्ट से स्क्रीन सेवर चुनेंगे। अगला क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने प्रकार के मानक आइकन हैं? चार प्रकार के हैं, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट, चार प्रकार का। कौन कौन से होता है? तो डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन, टूल बार और मेनू बार, ये चार प्रकार के स्टैंडर्ड आइकन होते हैं। यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव कराना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम कहा जाता है ड्रैगिंग करना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, ड्रैगिंग करना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और बताना है कि सही विकल्प। तो पहला जो कथन है, शॉर्टकट डिलीट करने के लिए केवल मूल क्रमादेश यानी कि प्रोग्राम लोड करने वाला आइकन ही डिलीट होगा, किंतु मूल प्रोग्राम नष्ट नहीं होगा और आपके कंप्यूटर में रहेगा। दूसरा दिया, जब आप कोई फाइल सरका कर ड्रैग करके मतलब रिसाइकिल बिन के ऊपर लाकर छोड़ते हैं तो वो फाइल अपने मूल स्थान से डिलीट हो जाती है। अब बताना इन दोनों में से क्या सही है। तो इन दोनों में से अगर हम बात करेंगे तो दोनों कथन सही है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन क्या है? दोनों कथन सही है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जब हम किसी फाइल को शॉर्टकट आइकन को फाइल के जो कुछ शॉर्टकट आइकन जो बनाया जाता है अगर उसको डिलीट करते हैं
तो सिर्फ वो आइकन ही डिलीट होगा, मूल फाइल या प्रोग्राम नहीं डिलीट होगा। लेकिन जब हम मेन फाइल को डिलीट करते हैं तो फाइल के साथ आइकन भी डिलीट हो जाता है। और दूसरा जब दिया गया था कि जब फाइल को ड्रैग करके रिसाइकल बिन के आइकन पर लाकर छोड़ते हैं तो फाइल अपने मूल स्थान से डिलीट हो जाती है। तो दोनों इस तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इमेज थंबनेल के साथ ऑब्जेक्ट जैसा एक छोटा सा पुश बटन जो आपकी फाइलों को माउस के साथ क्विक डबल क्लिक के साथ लोड करता है, इसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहेंगे आइकन। ठीक है, आइकन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विंडोज सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अच्छी तरह से निम्न में से कौन सा विकल्प इनमें से करेगा? तो इनमें से अगर देखा जाए तो फाइल आइकन पर राइट क्लिक करेंगे और रीनेम का विकल्प चुन लेंगे, यहां से बदल सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विंडोज एक्सप्लोरर में निम्नलिखित में से किस किस में चेंज आइकन व्यू ऑप्शन शामिल है? तो वो मेनू बार में होता है, मेनू बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बटन लगभग प्रत्येक विंडो के ऊपरी दाएं कोने में नहीं होता? तो ओपन बटन नहीं होता, आंसर सी ऑप्शन जाएगा, ओपन बटन। ठीक है, विंडोज एक्सपी में रिसाइकल बिन आइकन कहाँ 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 पर होता है? तो विंडोज एक्सपी में रिसाइकल बिन आइकन की अगर हम बात करेंगे तो ये पाया जाता है डेस्कटॉप पर, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, डेस्कटॉप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उचित विकल्प के साथ प्रश्न चिन्ह स्थानापन्न करना है यहाँ से। विंडोज 10 में अपने डेस्कटॉप पर 10 PC रिसाइकल बिन आदि जैसे आइकन जोड़ने के लिए आपको आवश्यक रूप से कहाँ जाना चाहिए? स्टार्टअप, स्टार्ट के बाद सेटिंग, सेटिंग्स के बाद पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन के बाद कहाँ पे जाएंगे? इसके बाद डेस्कटॉप पर, फिर आइकन सेटिंग्स पर। तो ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसमें भरना है कि पर्सनलाइजेशन के बाद हम कहाँ पर जाएंगे। तो पर्सनलाइजेशन के बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें हम थीम्स पर जाते हैं, थीम्स के बाद डेस्कटॉप पर जाएंगे, फिर डेस्कटॉप आइटिंग सेटिंग पर जाएंगे। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विंडोज में एक प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाने लगा? छोटा सा चित्र होता है, तो किसी डॉक्यूमेंट खोलने के लिए हम आइकन का प्रयोग करते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट, आइकॉन। ठीक है, विंडोज के किस हिस्से में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन होता है? तो ये एड्रेस बार में होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन, आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, अब विंडोज डेस्कटॉप से संबंधित क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। तो विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है जो है डेस्कटॉप। क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अब विंडोज की जो बूटिंग प्रक्रिया जब पूरा होता है उसके बाद विंडोज लोड होता है उसके बाद जो दिखाई देती है पहली स्क्रीन इसको डेस्कटॉप कहते हैं। जब हम कंप्यूटर खोलते हैं तो हमें विंडोज वेलकम स्क्रीन पर आते हैं जो मॉनिटर की स्क्रीन पर कई छोटे छोटे चित्र प्रदर्शित करता है। इस स्क्रीन को ही डेस्कटॉप कहा जाता है और स्क्रीन पर छोटे छोटे चित्रों को आइकन के रूप में जाना जाता है। तो यह हो गया डेस्कटॉप की परिभाषा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में जब आप डेस्कटॉप पर 10 PC आइकन में दाया क्लिक करते हैं तब 10 PC आइकन में दाया क्लिक करते हैं तब आप तब कितने विकल्प पॉपअप मेनू में प्रदर्शित होते हैं? यानी उसमें एक आइकन बना होता है 10 PC के नाम से। तो 10 PC का जब इस पर राइट क्लिक जब आप करेंगे तो उसमें आपको पॉपअप मेनू में कितने जो है आइकन विकल्प प्रदर्शित होंगे ये बताना है बेसिकली, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर उसमें 10 विकल्प प्रदर्शित होते हैं, तो आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब विंडोज एप्लीकेशन को न्यूनीकृत किया जाता है यानी कि मिनिमाइज किया जाता है, ठीक है, तो यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के किस पर एक छोटे आइकन के रूप में प्रकट होती है? तो ये जब मिनिमाइज करते हैं तो ये जाकर जो है हमें दिखाई देगी टास्क बार पर। ठीक है, टास्क बार पर जाकर जो है वहां पर हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो मॉनिटर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही तो उसे डेस्कटॉप कहा जाता है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में लॉग ऑन करने के बाद दिखाई देने वाले प्रमुख एरिया को क्या कहते हैं? तो उसको ऑब्वियसली डेस्कटॉप कहेंगे, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल के कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है? तो कौन सा शॉर्टकट की है? तो वो शॉर्टकट की का नाम क्या है? तो उसका नाम है Ctrl+Escape बटन, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ शॉर्टकट की है जैसे कि Ctrl+Z, तो ये अंडू किए गए कार्य को पहले जैसा करता है। Alt+Space बार प्रोग्राम का विंडो मेनू खोलने के लिए किया जाता है। Ctrl+Escape बटन स्टार्ट मेनू को खोलता है। Alt+Enter बटन चयनित विषय की प्रॉपर्टी देखती है और Ctrl+C से चयनित वस्तु को कॉपी कर दिया जाता है और Ctrl+X से चयनित वस्तु को कट किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को क्या कहा जाता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को अगर हम देखेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, अब जो है वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं।
इसका फाइल जो है एक्सटेंशन नाम क्या होता है, तो डॉट डॉट डीओसी होता है, ठीक है, डॉक होता है, जो डॉक्यूमेंट के प्रथम तीन अक्षरों को लेकर बनाया गया है। वर्ड प्रोसेसर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कार्य करता है। इसमें एक पेज होता है जिस पर आप करेक्टर टाइप करते हैं और उसमें एडिटिंग करते हैं तथा मार्जिन सेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का, ये बताना है, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है वो वीडियो है कि MP3, ये बताना है बेसिकली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ये एक फाइल है, ठीक है, क्या है, ये एक फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉल्ट रूप से विंडोज में उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सभी फाइलों को कहाँ स्टोर किया जाता है? तो ये स्टोर किया जाता है माई डॉक्यूमेंट्स में। कहाँ करते हैं? तो माई डॉक्यूमेंट्स में करते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। माई डॉक्यूमेंट जो है कंप्यूटर का सिस्टम का एक हिस्सा, एक फोल्डर होता है सिस्टम का। जब हम कोई फाइल का निर्माण करते हैं और उसे सीधे सेव कर देते हैं तो बाई डिफॉल्ट माई डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाती है। माई म्यूजिक, माई पिक्चर, माई वीडियो आदि फोल्डर डिफॉल्ट रूप से इसी में रहते हैं। आपके विंडोज सिस्टम में एक स्थित रूप में स्टोर्ड डेटा को क्या कहा जाता है? तो आपके विंडोज सिस्टम में स्थित रूप में स्टोर्ड डेटा को अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट है फाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइल कहा जाता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जब एक नए डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जाता है तो इसे रखा जाता है किस में रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है जो है फाइल में। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, फाइल में रखा जाता है। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? तो फाइल को अक्सर हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। पेज फॉल्ट कब आता है? पेज फॉल्ट की अगर हम बात करेंगे तो जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो तो पेज फॉल्ट के रूप में आएगा। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। विंडोज XP में, ठीक है, कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस की यानी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? किस बटन का प्रयोग करते हैं? तो उसमें हम प्रयोग करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का। शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का हम प्रयोग करते हैं जो है किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने या डिलीट करने के लिए। विंडोज में बाय डिफॉल्ट फाइल जब डिलीट हो जाती है तो उन्हें किस में भेजा जाता है? तो बाय डिफॉल्ट फाइल जब डिलीट होती है विंडोज में तो वो रिसाइकिल बिन के अंतर्गत आता है, वहां पे जाके सेव होता है, वहां से आप फिर उसको रिस्टोर कर सकते हैं रिसाइकिल बिन से। लेकिन अगर वो फाइल रिसाइकिल बिन से डिलीट हो जाती है तो फिर वो परमानेंट डिलीट हो जाती है। तो आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब आप विंडोज में फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करते हैं और शिफ्ट या डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा? तो जब आप विंडोज में फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करेंगे और शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजियों का दबाएंगे तो आप की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए को अस्थायी रूप से यानी परमानेंट अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तब आपके लिए इस बात की पुष्टि करने के लिए एक संवाद बात यानी डायलॉग्स बॉक्स जो है ओपन होगा, वहां पे एस नो ऑप्शन होगा, इस तरीके से खुलता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। एक से अधिक खुली विंडोज के बीच नेविगेट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो एक से अधिक खुली विंडोज के बीच नेविगेट करने के लिए अल्ट प्लस टैब दबाते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, अल्ट प्लस टैब। अगला क्वेश्चन है, उस जगह को क्या कहते हैं जिसे प्रयोक्ता फाइलों को स्टोर करने के लिए क्रिएट कर सकता है? तो उस जगह को कहा जाता है, उस जगह को फोल्डर कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, फोल्डर कहते हैं। विंडोज 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो विंडोज 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग करते हैं। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में बदला जा सकता है? तो इन सभी को अगर देखेंगे तो कंट्रोल पैनल में बदला जा सकता है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फीचर है जो उपयोगकर्ता को सिस्टम सेटिंग को नियंत्रित और संशोधित करने की अनुमति देती है। इसमें कई छोटे अनुप्रयोग और नियंत्रण पैनल शामिल है जिनका उपयोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटिंग को देखने और बदलने के लिए किया जाता है, उदाहरण कीबोर्ड, माउस सेटिंग आदि। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो बताएं कि कौन सा कथन इसमें से सही है या फिर गलत है। पहला कथन दिया गया, कंट्रोल पैनल का उपयोग विंडोज सिस्टम पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा दिया गया है कि विंडोज सिस्टम की तारीख और समय एक दिन में एक से अधिक बार नहीं बदला जा सकता, तो ये तो गलत है। एक से अधिक बार बदल सकते हैं, कई बार बदल सकते हैं, जब आप चाहें तब बदल सकते हैं। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज सेवन में जब आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो पॉपअप मेनू पर सॉर्ट बाय और फिर इसके बाद विकल्प को शामिल नहीं करता, कौन से विकल्प को शामिल नहीं करता इसमें से? तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो उस विकल्प का नाम क्या है? तो उस विकल्प का नाम है अथर नेम, अथर नेम शामिल नहीं करता। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। जब हम किसी
विंडोज डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो पॉपअप मेनू पर सॉर्ट बाय के अंतर्गत नेम, साइज तथा आइटम टाइप इत्यादि विकल्प शामिल होते हैं, जबकि अथर नेमिंग से इसका कोई संबंध नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में राइट क्लिक प्रयोग होती है और उसमें क्या मतलब किया जाता है विंडोज में? तो विंडोज में जब राइट क्लिक करते हैं तो हमें डिस्प्ले पॉपअप मेनू होता है तो दिखाई देता है, तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विंडोज ओएस में माउस राइट क्लिक करने पर क्या होता है? तो विंडोज ओएस में माउस राइट क्लिक करने पर संदर्भ मेनू प्रदर्शित होता है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, कंटेक्स्ट मेनू जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 में फ्रेमेंटेड सिस्टम हार्ड ड्राइव से छुटकारा पाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट जो है डीफ्रेग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 सिस्टम में डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को बदलने के लिए निम्न में से किस स्टेप का उपयोग किया जा सकता है? तो विंडोज 10 सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो डेस्कटॉप को बदलने के लिए हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं और पर्सनलाइज विकल्प को चुनते हैं, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सेटिंग्स चुने, इसके बाद पर्सनलाइजेशन, फिर बैकग्राउंड, फिर फिट चुने, फिर स्ट्रेच, निम्नलिखित में से कौन स्ट्रेच का सही अर्थ है इसमें से? तो छत मतलब कि अगर बात करें चित्र यानी इमेज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप से स्क्रीन को भरती है लेकिन इसके मूल पहलू पर अनुपात को बनाए नहीं रखती है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रेच का मतलब ये होता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। विंडोज 10 में फाइल प्रबंधन एप्लीकेशन को किस नाम दिया गया है? तो जिसका उपयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फोल्डर्स और फाइलों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ए पार्ट जो है फाइल एक्सप्लोरर का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो फाइलों और फोल्डरों को मैनेज करने के लिए जो है यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि स्क्रीन को मैक्सिमाइज किया जाता है तो मैक्सिमाइज बटन अस्थायी रूप से कौन से बटन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा? तो यदि स्क्रीन को अधिकतम मैक्सिमाइज किया जाता है तो कौन से बटन के द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया जाएगा, तो ये बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, रीस्टोर बटन के द्वारा जो है प्रतिस्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, जब किसी विंडो के मिनिमाइज बटन पर क्लिक किया जाता है तो क्या होता है? तो जब किसी विंडो के मिनिमाइज बटन पर क्लिक किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं विंडो डेस्कटॉप से गायब हो जाती है और टास्क बार पर एक बटन के रूप में दिखाई देती है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब टास्क बार के बारे में क्वेश्चन देखेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की डिफॉल्ट सेटिंग में टास्क बार कहाँ होता है? ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की डिफॉल्ट सेटिंग में टास्क बार की अगर हम बात करेंगे तो ये पाया जाता है स्क्रीन के नीचे, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की डिफॉल्ट सेटिंग में टास्क बार स्क्रीन के नीचे होता है, ये डेस्कटॉप की तरह विंडोज के कारण छिपती नहीं है, यह हमेशा विजिबल और हाईलाइट रहती है, इसलिए इसे आसानी से देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो डेस्कटॉप पर तारीख और समय पर होते हैं कहाँ पर होते हैं? तो डेस्कटॉप पर तारीख और समय जो होता है डेट एंड टाइम, यह प्रदर्शित होता है टास्क बार पर दिखाई देता है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप पर तारीख और समय कहां पर उपलब्ध है? तो टास्क बार इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क के अनुकूलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प टास्क बार और स्टार्ट मेनू में गुण में उपलब्ध नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा टास्क बार पर उपलब्ध नहीं होता ये बताना बेसिकली, तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो डिसेबल टास्क बार उपलब्ध नहीं होता, बाकी लॉक द टास्क बार, ऑटो हाइड टास्क बार, यूज स्मॉल आइकन, ये सभी जो है उपस्थित होता है। निम्न में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी? तो वो होता है टास्क बार। टास्क बार में सभी जब मिनिमाइज आप करते हैं, ठीक है, तो मिनिमाइज करने के बाद जो यहाँ पे मिनिमाइज जो बटन होता है यहाँ पे जब मिनिमाइज करेंगे तो इसी में आ जाएगा। ठीक है, इसी में तरीके से टास्क बार में ही आ जाता है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा पावर विकल्प नहीं है? इनमें से पावर विकल्प की अगर हम बात करेंगे तो डी पार्ट जो लॉग आउट जो होता है वो पावर विकल्प नहीं होता। तो लॉग आउट का अर्थ क्या होता है? एंड एक्सेस सिस्टम होता है, इसको दूसरे शब्दों में साइन ऑफ भी कहते हैं, यह पावर ऑप्शन का विकल्प नहीं होता। बाकी शट डाउन, स्लीप, हाइबरनेट, ये सभी पावर के विकल्प होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो किसमें आपके डेस्कटॉप पर कौन सा इसमें से स्पेशल एरिया है जो आपको सभी चलने वाले प्रोग्राम और उनकी विंडोज पर नजर रखता है? लगातार अपने चलने वाले प्रोग्राम के लिए आइकन दिखाने के लिए जो खुद को अपडेट करता है, तो इसमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, वो टास्क बार के बारे में बात कर रहा है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विंडोज 7 में टास्क बार और स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में टास्क बार टैब से पहले टैब्स के तहत जो है कितने चेकबॉक्स उपलब्ध होते हैं?
तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो चार चेकबॉक्स उपलब्ध होते हैं, सर पार्ट करेक्ट हो जाएगा चार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो विंडोज 7 में टास्क बार उन सभी प्रोग्राम और फाइल्स को सूचीबद्ध करता है जो, अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होता है, तो उसको हम आंसर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा ओपन। ठीक है, ओपन हो जाएगा इसका राइट आंसर। विंडोज 7 के टास्क बार लिस्ट में सभी प्रोग्राम और फाइल आइकन के रूप में प्रदर्शित होते हैं जो उस समय खुले रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में टास्क बार सेटिंग के साथ एक मेनू दिखाई देता है, जब आप राइट क्लिक करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं टास्क बार। ठीक है, क्या कहेंगे, टास्क बार कहेंगे। अगला क्वेश्चन, विंडोज सिस्टम में जब आप सेटिंग्स निजीकरण बैकग्राउंड चुनते हैं तो एक फिट को चुने, तो निम्नलिखित में से कौन सा फिट के लिए एक विकल्प नहीं होता है इनमें से, तो टाइटल होता है, सेंटर होता है, स्ट्रेस होता है, लेकिन फुल उसमें नहीं होता, तो आंसर पार्ट हो जाएगा फुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि आपने एक ही समय में एक से अधिक विंडो खोल रखे है जो, तो आप उस विंडो के लिए कौन से आइकन पर जो है क्लिक करके तुरंत उनके बीच स्विच कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टास्क बार। ठीक है, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, टास्क बार। अब स्टार्ट मेनू से क्वेश्चन देखेंगे, किस बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है इनमें से, तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो कौन सा बटन होता है जिस पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है, तो होता है स्टार्ट मेनू। ठीक है, आंसर इसका क्या जाएगा, बी पार्ट। स्टार्ट बटन जो होता है टास्क बार के जो है बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, हेल्प में स्टार्ट बटन, ठीक है, मतलब कि अगर ये टास्क बार नीचे बना हुआ है तो यहाँ पे जो है आपको आपको क्या मिल जाएगा, स्टार्ट बटन, इसमें क्लिक करते ही स्टार्ट मेनू सामने आ जाता है और विंडो में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टार्ट मेनू खोलकर उसके हेल्प एंड सपोर्ट विकल्प पर क्लिक करते हैं, इसके फलस्वरूप हेल्प सपोर्ट मेनू खुल जाता है जहाँ हेल्प टॉपिक चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज का स्टार्ट मेनू खोलने के लिए किया जाता है, इनमें से तो कौन से विंडोज क्या किया जाता है स्टार्ट मेनू खोलने के लिए, तो कंट्रोल प्लस एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विंडोज में कौन से विकल्प के तहत जो है विकल्प का प्रयोग करके कीबोर्ड को नियंत्रित और अनुकूलित किया जा सकता है, इनमें से तो कौन से विकल्प का प्रयोग करेंगे, तो वो होता है स्टार्ट बटन। ठीक है सर, इसमें कंट्रोल पैनल का उपयोग करेंगे, तो आंसर डी ऑप्शन है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के तहत जो है हम कीबोर्ड को नियंत्रित और अनुकूलित कर सकते हैं। स्टार्ट मेनू क्या है, तो टास्क बार में किए गए कोने पर स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट मेनू के निम्न ऑप्शन होते हैं, लेफ्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, सर्च, राइट पेन और शट डाउन। टास्क बार की बात करें तो डेस्कटॉप के नीचे एक पतली पट्टी होती है, इसके बाएं ओर स्टार्ट बटन होता है, दाएं ओर घड़ी रहती है। टास्क बार घड़ी की तरह कुछ छोटे छोटे आइकन भी होते हैं जिन्हें क्विक लॉन्च कहते हैं। कंट्रोल पैनल में कीबोर्ड या किसी भी हार्डवेयर को नियंत्रित और अनुकूलित करते हैं। अब देखते हैं टाइटल बार से क्वेश्चन को, तो पहला क्वेश्चन है, किसी भी विंडोज में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन किस पर देखते हैं दिखते हैं, तो ये सभी दिखते हैं आपको टाइटल बार में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा टाइटल बार। ठीक है, विंडोज के सबसे ऊपर स्थित क्षैतिज पट्टी को जो है टाइटल बार के नाम से जानते हैं, जिसमें चालू प्रोग्राम या का नाम, फाइल का नाम प्रदर्शित होता है और दाईं ओर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडो मैक्सिमाइज करने का क्या अर्थ है, विंडो मैक्सिमाइज करने का अर्थ होता है कि इतना एक्सपेंड करना कि डेस्कटॉप के पूरे डेस्कटॉप पर जो है फिट हो जाए, तो उसको मैक्सिमाइज कहेंगे, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा बटन और मेन्यू होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांडो जल्दी से जो है कमांडो का जल्दी से एक्सेस करवा देते हैं, तो कौन सा होता है, तो वो होता है टूल बार, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा टूल बार। ठीक है, टूल बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारों में कौन सा वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस का भाग नहीं है, मेनू बार, टूल बार, फार्मूला बार, टाइटल बार, तो इसमें से फार्मूला बार इसका जो है भाग नहीं होता, बाकी और सभी इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, अब मेनू बार से क्वेश्चन देखेंगे, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट्स के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है कट एंड पेस्ट। क्या कहा जाता है, कट एंड पेस्ट कहा जाता है, आंसर सी आप समझेगा। शब्द संसाधन में मतलब कि वर्ड अरेंजमेंट में डॉक्यूमेंट्स के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने के लिए कट और पेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले वांछित टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद एडिट मेनू में कट का विकल्प चुनते हैं, फिर कर्सर को पेस्ट किए जाने वाले स्थान पर ले जाकर पेस्ट कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो प्रोग्राम को चलाने और चीजों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल, एडिट, फॉन्ट, टूल्स जैसी कमांड क्या होती है, तो ये सभी कमांड की अगर हम बात करें तो मेनू बार होता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा मेनू बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फाइल के नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है इनमें से, पहला दिया गया कि फाइलों का एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है पर दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, तो ये तो सही है। दूसरा है, एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नेम होता है, ये भी सही है। तीसरा है, फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार का दूसरा नाम है, ये भी सही है। चौथा है, फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट किससे पहले आता है, जो कि गलत है। फाइल का नाम डॉट के बाद आता है, एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन का नाम डॉट के बाद आता है, तो आंसर डी पार्ट
हो जाएगा, आपको गलत ही बताना था। जैसे कि डॉट वर्ड, डॉट बिन, डॉट डॉक हो गया और डॉट एक्सएलएस तक इस तरीके से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से पहले किए गए लिखित काम को बदलने को क्या कहते हैं? तो पहले किए गए लिखित काम को बदलने के लिए हम इसमें प्रयोग करते हैं जो है एडिट को। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट, एडिट करते हैं। अगला प्रश्न है, तो एकदम अभी काटा और कॉपी पेस्ट किया गया हो, कॉपी किया गया हो तो उसे इंसर्शन पॉइंट पर क्लिपबोर्ड कंटेंट की कॉपी को इंसर्ट करने को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जो है पेस्ट। क्या कहा जाता है? पेस्ट करने को कहा जाता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, पेस्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज उपयोगकर्ता को रिक्त स्थान सहित कौन से संपर्कों का, कितने संपर्कों तक फाइल नाम टाइप करने की सुविधा देता है इनमें से? तो ये होता है जो है 255। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार, 255। ठीक है, मिनिमम अगर बात करेंगे तो एक और मैक्सिमम 255 तक लिख सकता है। अगला प्रश्न है, इस कमांड का प्रयोग टेक्स्ट और ग्राफिक्स को हटाने के लिए किया जाता है, उसके बाद सूचना को क्लिपबोर्ड पर स्टोर किया जाता है ताकि उसे पेस्ट किया जा सके, तो कौन से कमांड के द्वारा सारी चीजें की जाती हैं? तो वो कमांड का नाम है कट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, कट कमांड के द्वारा सारी चीजें की जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो टेक्स्ट और अन्य डाटा को किसी टेम्प्रोरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं क्लिपबोर्ड के नाम से। आंसर ए पार्ट, करेक्ट है, क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कट या पेस्ट किए गए टेक्स्ट या चित्र आदि को अस्थायी रूप से जो है टेम्प्रेरी मतलब स्टोर रखता है। जब हम किसी टेक्स्ट या चित्र को कॉपी करते हैं तो वो जो है तो वो क्या करता है? क्लिपबोर्ड में आ जाता है, और हम इस कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को जब हम किसी अन्य फाइल में पेस्ट करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड से उसी स्थान पर कॉपी हो जाता है। क्लिपबोर्ड में डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक हम उसे स्वयं से ना हटाएं, या फिर हम कोई दूसरा डाटा कॉपी ना करें या कंप्यूटर बंद ना करें, तब तक स्टोर रहेगा। एक बार ऑब्जेक्ट क्लिपबोर्ड में आने पर हम उसे एक से अधिक बार पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वह क्लिपबोर्ड में बना रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर एक ईमेल या आइकन को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। क्या कहा जाता है? हाइपरलिंक कहते हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है? तो हाइपरलिंक जो होता है वेब पेज या वेबसाइटों के बीच नेविगेट करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राथमिक विधि है। हाइपरलिंक जो है ही जो होता है एक वेब पेज पर अन्य वेब पेज, ग्राफिक्स, फाइल अन्य स्थानों को इंगित करते हैं। जब टेक्स्ट हाइपरलिंक के रूप में उपयोग किया जाता है तो उसे आमतौर पर रेखांकित किया जाता है या एक अलग रंग के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो उस कमांड को क्या कहते हैं जो किए जा रहे काम को हार्ड ड्राइव या डिस्क में सेव करती है? तो उस कमांड को कहते हैं सेव। ठीक है, क्या कहते हैं? सेव कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। यह मेमोरी के उस फाइल को निकालने की कमांड है जिससे पहले उसमें स्टोर किया गया था। यह मेमोरी से उस फाइल को निकालने की कमांड है जिसे पहले उसमें सेव किया गया था। तो कौन सी कमांड होती है ये बताना है, तो उस कमांड को कहा जाता है ओपन कमांड। आंसर इसका सी ऑप्शन है, ओपन। ठीक है, यदि आप कोई मेनू खोलें और या फिर तय करें कि आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो मेनू टाइटल को फिर से क्लिक करें या मेनू को बंद करने के लिए कौन सी कुंजी को दबाएंगे? तो उस कुंजी का क्या नाम है? तो उसको हम दबाते हैं एस्केप बटन, एस्केप कुंजी। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह किस मेनू में जुड़ता है? तो यह जुड़ता है ऑल प्रोग्राम मेनू में। आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑल प्रोग्राम मेनू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम फाइल कंप्रेशन का प्रयोग करते हैं। आंसर सी सॉरी ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइल कंप्रेशन, फाइल जो कंप्रेशन जो होता है वो फाइल को क्या करता है, स्मॉल साइज में परिवर्तित कर देता है, जिससे फाइल क्या होती है दूसरे कंप्यूटर तक आसानी से तथा जल्दी से पहुंच जाती है। जब फाइल एक दूसरे कंप्यूटर में पहुंचती है तो कंप्यूटर का प्रोग्राम फाइल को डिसकंप्रेस कर देता है जिससे फाइल अपने नॉर्मल साइज में हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है? तो वो फाइल होता है कंप्रेशन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, कंप्रेशन फाइल। कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? इसमें से अगर देखा जाए तो ओपन कमांड को सिलेक्ट किया जाता है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ओपन कमांड। ठीक है, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए ओपन कमांड को सिलेक्ट करना पड़ता है। सर्च डायलॉग बॉक्स में फाइल का प्रकार जो होता है पिक्चर एंड फोटोज, म्यूजिक, वीडियो, फाइल का नाम या फाइल में स्थित किसी शब्द को डालकर सर्च टैब दबाने पर यह वांछित फाइल खोजकर इसे दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इनमें से कौन सी एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन के किसी फाइल को देते हैं? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा फाइल नेम। ठीक है, फाइल नेम हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फाइल नेम। फाइल नेम एक विशिष्ट नेम होता है जो हम अपनी फाइल को देते हैं ताकि फाइल को आसानी से ढूंढा जा सके। फाइल नेम अधिकतम 255 का मतलब अक्षर उसमें लिख सकते हैं तथा उसके बाद एक्सटेंशन नेम होता है जो
डॉट से अलग रहता है और प्रोग्राम का नाम बताता है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का यूज करेंगे? तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फाइल मेनू पर हम देखते हैं न्यू कमांड का प्रयोग, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट न्यू कमांड, या फिर कंट्रोल प्लस ई एंड बटन दबाते हैं। फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है, फाइल एक्सटेंशन किस में इस्तेमाल किया जाता है? तो फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाइनरी फाइलों के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है? तो बाइनरी फाइलों के लिए डॉट बी आई एन प्रयोग करते हैं, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑडियो फाइल एक्सटेंशन ए एम आर से क्या अभिप्राय है? तो ये होता है अडेप्टिव मल्टी रेंज रेट, इसका फुल फॉर्म होता है, ए एम आर का फुल फॉर्म क्या होता है? अडेप्टिव मल्टी रेंज, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल नाम एक्सटेंशन इंगित करता है कि फाइल किसी अन्य फाइल की बैकअप कापी है इनमें से? तो इसका हो जाएगा डी पार्ट डॉट बी ए की, डॉट बी ए के होता है। ठीक है, डॉट टी एस टी टेस्ट फाइल एक्सटेंशन हो जाता है, डॉट कॉम इंटरनेट में डोमेन नेम, डॉट बी ए सी बेसिक स्रोत फाइल का एक्सटेंशन है, डॉट बी ए के बैकअप फाइल का एक्सटेंशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है इनमें से? तो वीडियो फाइल के एक्सटेंशन की बात करें तो डॉट जेपीईजी जो होता है वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं होता, तो आंसर इसका क्या जाएगा डॉट जेपीजी। डॉट जेपीईजी जो होता है ये इसका होता है, तो ये फोटो का होता है, पिक्चर का होता है, ठीक है, इमेज का होता है। डॉट पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म बनता है, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसका किसमें स्टोर करके फाइलों को ऑर्गेनाइज किया जाता है इनमें से? तो ये किया जाता है फोल्डर, फोल्डर्स में स्टोर करके फाइलों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विंडोज एक्सप्लोरर में व्यू मेनू में कौन सा विकल्प नाम के अनुसार डेटा क्रमबद्ध करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है? तो विंडोज एक्सप्लोरर में अगर हम देखेंगे तो नेम जो मेनू होता है उसमें क्या करते हैं कि क्रमबद्ध करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब है टूल बार, टूल बार से क्वेश्चन देखते हैं। तो किस में बटन और मेनू होते हैं जिनमें जिनसे सामान्यता प्रयुक्त कमांडों का एक्सेस तेजी से होता है? तो किस में होता है? तो वो होता है टूल बार में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा टूल बार। ठीक है, टूल बार आपको अक्सर इस्तेमाल करने होने वाले कमांड्स और प्रक्रियाओं का एक्सेस तेजी से प्रदान करता है, और जैसे कि नई फाइल के लिए न्यू बटन पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस एन हो जाएगा, पुरानी फाइल खोलने के लिए ओपन बटन पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस हो जाएगा, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए जो है 11 फॉन्ट की साइज पर जो है क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग करते हैं। ओपन प्रिंट सेव सभी बटन कहाँ पर स्थित होता है? तो ओपन प्रिंट सेव सभी बटन की अगर हम बात करेंगे तो ये स्थित होता है स्टैंडर्ड टूल बार में। कहाँ पर? स्टैंडर्ड टूल बार में, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, प्रयोगता किस मेनू के टूल बार का चयन करता है इनमें से? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो व्यू मेनू का चयन करेगा, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। व्यू मेनू में डॉक्यूमेंट के व्यू को कंट्रोल करने के संबंधित सभी कमांड होते हैं, और इस मेनू द्वारा टूल बार का चयन करके कार्य संबंधी टूल स्क्रीन पर जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो टूल मेनू का प्रयोग करेंगे, तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा टूल बार। अगला क्वेश्चन है अलाइनमेंट किस बटन पर होता है? अलाइनमेंट बटन किस पर होता है? तो अलाइनमेंट बटन फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। ठीक है, अलाइनमेंट बटन जो होता है फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत आता है। अलाइनमेंट चार प्रकार का होता है, बायां दायां मध्य और जस्टिफाई। ठीक है, बायां दायां मध्य होता है, बायां होता है, दायां होता है और जस्टिफाई होता है, ये याद रखिएगा। चार शॉर्टकट बटन की बात करते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। विंडोज ओएस में एक विंडो ओपन बंद विंडोज बंद करने के लिए आप किस जो है शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो विंडोज को बंद करने के लिए हम LTF4 का प्रयोग करते हैं, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा LTF4। ठीक है, कंट्रोल प्लस F5 से हम कंटेंट विंडो को रिफ्रेश करते हैं, करंट विंडो जो होती है ओपन होती है उसको हम रिफ्रेश कर किया जाता है, और हम स्क्रीन के किसी विशेष भाग के बारे में जानना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F1 प्रेस करते हैं, और आपका बिंदु एक प्रश्न चिन्ह के साथ एक तीर में बदल जाता है, फिर उस चीज पर क्लिक करेंगे जिसके बारे में जानना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है? तो कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो हम विंडोज प्लस डी से कार्य करते हैं, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विंडोज प्लस डी। इसके बाद विंडोज ओएस एक एप्लीकेशन के भीतर एक विंडो से दूसरे विंडो में टॉगल करने के लिए आप से दूसरे विंडो का प्रयोग करते हैं, तो उसका नाम क्या है? तो अल्ट प्लस F6 का प्रयोग करते हैं, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अल्ट प्लस F6 की अगर हम बात करेंगे तो एक विंडो से दूसरे विंडो पर टॉगल करने के लिए, अल्ट प्लस F10 का प्रयोग विभिन्न टैब में मूव करने के लिए, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग वर्तमान दिनांक डालने के लिए, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी का प्रयोग वर्तमान समय डालने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है MS Word 2007 में अंडू रीडू विशेषता को
किस बार में प्रयोग में लाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 288 का, इसका आंसर हो जाएगा 100 बार प्रयोग में लाया जाता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेडू निम्नलिखित द्वारा किया जाता है, रेडू जो है किस किस शॉर्टकट की के प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस वाई बटन से रेडू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब रेडू तथा अंडू दो बटन है, तो स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित अंडू बटन के प्रयोग से हम तुरंत किए गए कार को हटा देते हैं, अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं, और जिस किसी कार को हम अंडू कर चुके हैं यदि हम उसे संतुष्ट नहीं है तो हम रीडू भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वाई से उसे पूर्वावस्था में ला सकते हैं, पहले जैसा ही ला सकते हैं। अपने डेस्कटॉप को लॉक करने की शॉर्टकट की कौन सी, डेस्कटॉप को अगर लॉक करना है तो कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे, तो कंट्रोल प्लस एल दबाते हैं, कंट्रोल प्लस एल दबाते हैं, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, कंट्रोल प्लस एल। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड दी जाती है, तो कंट्रोल को रीबूट करने के लिए विंडोज 10 को, विंडोज कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए तो कंट्रोल कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट डिलीट बटन दबाई जाती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रीबूट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद विंडोज 10 ओएस में सेटिंग खोलने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, तो विंडोज 10 में ओएस में सेटिंग खोलने के लिए अगर देखते हैं तो हम विंडोज लोगो प्लस आई बटन दबाते हैं, तो इस तरीके से खुल जाता है, तो आंसर आई डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विंडोज लोगो प्लस एस बटन दबाएंगे तो इससे सर्च विकल्प ओपन होता है। ठीक, कौन सा विकल्प, सर्च विकल्प, यदि आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने स्टॉप यानी कि सामग्री में सर्च कर सकते हैं। स्टिकी की को चालू करने के लिए विंडोज में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट को कितनी बार दबाना पड़ता है, तो विंडोज शॉर्टकट शिफ्ट की को, शॉर्टकट शिफ्ट की को हम दबाते हैं 5 बार, तो वहां से क्या चालू हो जाएगा, स्टिकी की चालू हो जाएगा। स्टिकी कीज को सक्रिय करने के लिए 5 बार शिफ्ट की दबाया जाता है, एक साउंड होता है और स्टिकी कीज डायलॉग ओपन होती है, डिफॉल्ट रूप से कर्सर एस बटन पर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विंडोज के लिए गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में एक नया टैब खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है बी पार्ट, कंट्रोल प्लस टी से खोला जाता है। फाइल खोलने के लिए कौन से शॉर्टकट की है, तो फाइल खोलने के लिए हम क्या करते हैं, तो कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग करते हैं, आंसर इसका ओपन, ओपन मतलब ओपन में खोलना, तो कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब आपकी अन्य फाइलें खुली हों तो डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है, तो होता है विंडोज के प्लस डी दबाते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट डेस्कटॉप, तो यहाँ से विंडोज के दबाएंगे साथ में तो खुल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्न में से कौन सा है, तो अल्ट प्लस टैब दबाएंगे। ठीक है, आंसर ये पार्ट हो जाएगा, विंडोज 10 ओएस में एक विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो विंडोज लोगों के प्लस अप एरो दबाएंगे जिससे कि वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें F9 का, तो MS वर्ड का उपयोग करते समय F9 आपके डॉक्यूमेंट्स को रिफ्रेश कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है इनमें से। ठीक है, दिया गया है कंट्रोल बी, कंट्रोल बी से क्या प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल बी से हम प्रयोग करेंगे मेक टेस्ट बोल्ड, बोल्ड कर दिया जाता है टेस्ट को। कंट्रोल यू से हम देखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, कंट्रोल पी सी की, अगर हम पी की बात करें तो प्रिंट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3 की अगर हम बात करेंगे तो इससे हम क्या करते हैं, चेंज केस ऑफ लेटर कहा जाता है। ठीक है, लेटर का चेंज किया जाता है चेंज, तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी हो जाएगा, इसके बारे में बहुत बार बात हो चुका है, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल। प्रिंट मेनू, तो कंट्रोल पी हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा इसका। क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की, तो कंट्रोल वी हो जाएगा, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल एक्स से कट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल बी से पेस्ट। अगला क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा प्रेस की का अंतर करेंगे, तो कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी। टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए, इटैलिक बनाने के लिए हम कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू का करेंगे, कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट किया जाता है। जब आप रिसाइकल बिन खाली कर विकल्प चुनते हैं, खाली करने का विकल्प चुनते हैं, तो क्या होता है, तो सभी फाइल्स क्या होती है, आपके कंप्यूटर से परमानेंट रूप से डिलीट हो जाती है, तो इस तरीके से आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। रिसाइकल बिन में छोड़े गए फाइल स्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब आप क्या करते हैं, तो जब यह मैनुअल रूप से खाली किया था तभी, तो आंसर इसका क्या जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विंडोज 10 को पहले एक पूर्वालोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था, तो ये 1 अक्टूबर 2014 को जारी किया गया था, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
विंडोज में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो शॉर्टकट की जो शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करते हैं वो चयनित आइटम को बिना रिसाइकल बिन में डाले सीधा परमानेंट डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विंडोज टास्क मैनेजर को खोलने के लिए आप क्या दबाएंगे? तो विंडोज टास्क मैनेजर को खोला जाता है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट का बटन दबा के। तो इस तरीके से टास्क मैनेजर खुल जाएगा। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो विंडोज की प्लस ई, ई फॉर एक्सप्लोरर। तो वहां से विंडोज की के साथ दबा देंगे तो विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाएगा। और विंडोज की और डब्ल्यू दबाएंगे तो इसका प्रयोग सेटिंग को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस ओ से क्या किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फाइल को ओपन किया जाता है। जब हम विंडोज प्लस ई दबाते हैं तो क्या होता है? तब फाइल एक्सप्लोरर खुलता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स और को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी पार्ट, कंट्रोल प्लस के। तो कंट्रोल प्लस के हो जाएगा, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एच से नोट पैड, वर्ड पोर्ट तथा एम एस वर्ड में फाइंड तथा रिप्लेस को खोला जाता है। कंट्रोल एल से ब्राउजर में एड्रेस बार को सिलेक्ट करते हैं अथवा एम एस वर्ड में बायां अलाइनमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट प्लस इंटर का प्रयोग हम करते हैं चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम एंटर का प्रयोग करते हैं, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विंडोज की बोर्ड पर कौन सा बटन जो है चल रहे प्रोग्राम की सहायता से हेल्प पेज को खोला जाता है? तो F1 से खोलते हैं। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, F1। एक पीसी कीबोर्ड पर F1 F2 आदि के रूप में चिन्हित कीज को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो फंक्शन कीज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, F1 से लेकर F9 तक। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। F1 से देखेंगे तो हेल्प विंडो, हेल्प मेनू खुलेगी। F2 से रीनेम डॉक्यूमेंट फाइल नेम का। F4 से प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट फाइल बनाना। F5 से प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट ओपन करना। F11 से एक्टिव विंडो में फाइल को सेव करना। F12 से फाइल को सक्रिय विंडो में प्रिंट करना आदि काम होता है। अब डायलॉग बॉक्स से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो तीन चार क्वेश्चन है डायलॉग बॉक्स से, उसको भी देख लेते हैं, बस ये चैप्टर समाप्त होता है। जिस हैंडआउट में नोट्स के लिए लाइनें बनी होती हैं उसे उसमें स्लाइड कैसे प्रिंट की जाती है? तो जिस हैंडआउट में नोट्स के लिए लाइनें बनी होती हैं उसमें अगर हम स्लाइड प्रिंट करेंगे तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स में हैंडआउट्स और प्रति पेज स्लाइडों की संख्या सेलेक्ट करेंगे, फिर इंक्लूड कमेंट पेज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीन पर प्रतीक या प्रश्न कौन सा है जो आपको एक्शन लेने के लिए प्रॉम्प्ट करता है और कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है? तो ये अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी पार्ट हो जाएगा, प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स प्रयोग किया जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कई बार हम रिलेटेड कंट्रोल्स को एक समूह को होल्ड करने के लिए डायलॉग बॉक्स की जरूरत होती है। सामान्यतः डायलॉग बॉक्स और प्रॉम्प्ट का प्रयोग यूजर से इनपुट प्राप्त करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से चित्र में दिखाए गए डायलॉग बॉक्स का महत्व क्या है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने में महत्व होता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमएस वर्ड फाइंडर रिप्लेस मेनू में जाने के लिए सर्वप्रथम होम टैब पर जाएंगे, फिर एडिटिंग ग्रुप में गो कमांड को चुने, इसके बाद फाइंड तथा रिप्लेस गो के साथ ओपन हो जाएगा। गो डायलॉग बॉक्स को कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट से भी ओपन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? इनमें से तो इनमें से विकल्प की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है सर्कल, सर्कल विकल्प में तो बाकी 3D टेस्ट, मिस्टिफाई, रिबन से सभी विकल्प जो होते हैं। स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स कई विकल्प उपस्थित होते हैं परंतु इसमें सर्कल्स का विकल्प नहीं होता, अन्य सभी विकल्प उपस्थित होते हैं। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। इसलिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा स्प्रेडशीट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का MS Excel होगा, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चैनल के लिए जुड़े रहिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए। चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।